अपने क्लास में चलती हूँ। वो देखो, इसे कहते हैं डॉल्स हाउस। मैं इससे बेहतर डॉल हाउस बना सकती हूँ। मैं कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। हे, मेरे रास्ते से हटो, मैं कॉन्टेस्ट में आना चाहती हूँ। छोड़ दो। अरे नहीं, देखो तुमने क्या किया। मैंने, मुझे तो बस पेन चाहिए था। क्या हुआ? आओ, बहुत जोर से लगी। इसे मुझसे हटाओ। ये कैसी जगह है? ये देखो, मैं इसे अपने डॉल हाउस के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? मुझे इसे परफेक्ट बनाना होगा। पहले बॉक्स में दीवारें बनाएंगे, कलर पेपर की अलग अलग शीट्स लगाएंगे, जल्दी और आसानी से। वाह, कितना कलरफुल है। तो तुम्हें कैसा लगा? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत पसंद आया। मैं बहुत अच्छा डिजाइन करती हूँ। ब्रिटनी को क्या हो गया? उसने शुरू भी कर दिया। हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छा है। तुम जल रही होगी। मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। नहीं नहीं, पसंद नहीं आया। ओह, ये चल सकता है। अब इंतजार करना होगा। वाह, मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। ओह, कितना प्यारा है। बहुत अच्छा लगा। चलो और देखते हैं, इसमें सब कुछ है। नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। हमें बस गोल्ड चाहिए। मैं जानती थी तुम्हें महंगी चीजें ही पसंद है। मैं इसे बदल दूंगी। इसकी साइज की शीट्स काट कर इन रूम्स में लगा देंगे। अब कैसा है? मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम भी थक गई हो? सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है। इस कर्टन को थोड़ा बदलना होगा। मैं इसमें से थोड़े पीसेस निकाल लेती हूँ। ये चलेगा। मैंने बेड कार्डबोर्ड से बनाया है। शीट्स की जगह ये कर्टन फैब्रिक लगा देंगे। कोजी लग रहा है। अब तुम अपनी ब्यूटी स्लीप ले सकती हो। ये खाली है। सामान चाहिए होगा। स्वीट ड्रीम्स। ये आइडिया अच्छा है। हमें यही तो चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। चलो। हेलो केंडो, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे वो फोन चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो मैं इसे क्या क्या खरीद सकती हूँ? चॉकलेट। तुम ठीक तो हो? वाह, कुछ ज्यादा ही बार्गेन करते हो। और पैसे? वाह, आज का दिन सबसे अच्छा है। ये क्या हो रहा है? मैं अमीर हो गई। इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई। ये लो, ये तुम्हारा है। आखिरकार ये सबसे सॉफ्ट बेड बनेगा। मैंने फोम में से रेक्टेंगल ले लिया है। अब इसे सजाना होगा गोल्ड में ही। पर इसमें कुछ और भी चाहिए। पिंस को दूसरे फोम में लगा देंगे। ये पर्ल्स जैसी दिखेंगी। बस ये आखिरी है। अब हमें सब कुछ साथ में जोड़ना होगा। ये होगा इसका हेडरेस्ट। अब हमें कोजी ब्लैंकेट चाहिए और पिलोज भी। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये जगह इसके लिए ठीक है। अब ऊपर की तरफ रिबन लगा देंगे। ये कर्टन की तरह काम करेगा। मैं चाहती हूँ तुम बेड पर आराम करो। लगता है हो गया। चलो अब लेट जाओ। गुड नाइट। मुझे ये चाहिए। मैंने बहुत सारी कैंडी खा ली। डेंटिस्ट तो बहुत गुस्सा होंगे। मतलब हाँ, क्या सुबह हो भी गई? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, मेरी डॉल कहाँ चली गई? लगता है मैं जानती हूँ। हे, वहाँ क्या कर रही हो? मुझे इग्नोर मत करो, यहाँ पर आओ। तुमने सुना? ये तुमने क्या कर दिया? जरा खुद को देखो, पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी है। हमें तुम्हें साफ करना होगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ। ऐसे मत करो। ठीक है, मैं समझ गई। इस टब को मेकओवर देना पड़ेगा। इस पर गोल्ड पेंट करेंगे। स्पॉन्ज से इसका टेक्सचर अच्छा बनेगा। जब ये सूख जाए तो कोने पर गोल्ड टेप लगाएंगे। कितना आलीशान लग रहा है। मतलब नहाओ भी तो शान से। और मेरे पास गोल्ड टॉयलेट भी है, पर इसे थोड़ा बदल सकते हैं। सीट को पेंट करेंगे और ऊपर ग्लिटर डाल देंगे। सिस्टर्न पर गोल्ड टेप लगाएंगे और गोल्डन चेन भी। मैंने ऐसा टॉयलेट पहले कभी नहीं देखा। ये तैयार है। कैसा लग रहा है? तुम्हें सबसे अच्छी चीज मिलनी चाहिए। मैं इसे घर में लगा देती हूँ। टॉयलेट को यहाँ और टब को तुम्हारे बेड के साथ। ये कितना लग्जूरियस बाथरूम है। हमें टब को भरना होगा। ओह, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा को टब में डालेंगे, अब बबल्स डालेंगे और मिंट्स। अब ये जकूजी बन गया। तुम अंदर जाओ, आराम से समय बिताओ। मुझे पूरी रात के आंटी के ही सपने आए। रुको। ओह हाँ, ये सच था। हाँ, स्मेल कैसी है? ओह चलो भी, बस करो। कितना गंदा है।
तुम ऐसा क्या खा रही थी? मुझे उल्टी आ रही है, ये तो परेशानी है। तुम्हें नहाना होगा। मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रॉ है, पर कोई बात नहीं, स्ट्रॉ को इस तरह खींचेंगे और मोड़ देंगे। अब हमें कैंची चाहिए, यहाँ से स्ट्रॉ को काट देंगे, फ्लेक्सिबल पार्ट के नीचे की तरफ भी काटेंगे। अब इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे। अब इन पर रेड और ब्लू बीड्स लगाएंगे। मुझे एक टॉयलेट बनाना है, फोम से बेस बना दिया है। अब इसके ऊपर कार्ड लपेटेंगे और फिर सीट बनाएंगे। हमें सब मिल गया है। शावर को दीवार पर लगाएंगे और ये बन गया बाथरूम, बिल्कुल घर जैसा। हाँ चलो जाओ, तुम्हें अच्छे से नहाने की जरूरत है। मैं तुम्हें प्राइवेसी दे देती हूँ। सही रहा ना? अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पर तुम्हारी ड्रेस पर अभी भी चॉकलेट लगी है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें नई आउटफिट दिलाएंगे। मुझे कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इससे बेहतर और क्या होगा। वाह कितना मजा आएगा, देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं श्योर नहीं हूँ, लगता है हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। कोई आइडिया है? जरा रुको, हम ये गोल्ड फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो खुद से ड्रेस बनाएं। टेबल पर फैब्रिक रखेंगे, अब कार्ड से टेम्पलेट बना लेंगे और इसके आसपास काटेंगे। अब इन पीसेस को साथ में जोड़ लेंगे। जितना सोचा था ये उससे भी आसान है, चलो ट्राई करो। वाह तुम्हें तो ये फिट आया है, तुम बिल्कुल मॉडल लग रही हो, तुम्हें कैटवॉक पर होना चाहिए। ताजगी भरा। नहीं हमें जल्दी करना होगा, अच्छा लग रहा है ना? वाह तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या? वो आउटफिट देखो, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। मुझे बस कुछ चाहिए। यहाँ नहीं है, मैं कहाँ आ गई हूँ? ये मेरा बेडरूम नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यही तो चाहिए। तुम्हें मेरा मास्क चाहिए? वो मेरे ब्रीफकेस में है। कूल थैंक्स। हाँ नहीं मिल गया। जरा रुको, कितने पैसे देने होंगे? अरे ये सारे ही ले लो, बाय। कौन था? चलो ड्रेस बनाए। एक चीज बाकी है, मुझे ये चाहिए होगा। तुम बहुत स्टाइलिश दिखने वाली हो, तो चलो पहले मास्क से स्ट्रैप्स हटा देते हैं। इसे दोनों साइड्स पर करेंगे। अब मास्क को काट देंगे बिल्कुल बीच से। हमें ऐसे दो पीसेस चाहिए होंगे, इन्हें साथ साथ रखेंगे और साथ में चिपका देंगे और फोल्ड कर देंगे। ये इतना सिंपल है, कितनी प्यारी स्कर्ट बन गई। ये लो। वाह ये तुम्हारी टॉप के साथ अच्छी लग रही है, और इसके साथ हेड स्कार्फ, क्या चॉइस है। तुम्हें अपने कमरे के लिए क्लोथ रैक भी चाहिए होगा, तुम परफेक्ट लग रही हो। सोचो मेरे पास क्या है, बैठने की जगह भी तो चाहिए। खूबसूरत है ना? वाओ! नहीं! रुको! मैं नहीं देख सकती। क्या ये कहाँ से आ गया? चेयर ये खराब हो गई। हाँ हो तो गई, ये मुझे दो। ऐसा क्यों हुआ, मुझे माफ करना। रुको मैं कितनी बुद्धू हूँ, हम इसे गोल से ढक सकते हैं। मैं ये तो भूल ही गई थी। यहाँ से फोल्ड करते हैं और ये तैयार है। अब ये बेहतर लग रहा है, क्या पता ये किसी वजह से ही हुआ हो। वाह इससे रूम बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अपने थ्रोन पर बैठ जाओ, तुम्हें कैसा लगा कैंडल? देखते हैं। वाह काफी फैंसी है। एक सेकेंड रुको, मैं भी अपनी डॉल के लिए चेयर बना सकती हूँ। और मैं जानती हूँ क्या करना है, इन स्पॉन्जेस को साथ में जोड़ें, अब इन पर ग्लू लगाएं, वो भी पूरे पर। अब इसके ऊपर एक फैब्रिक का पीस फोल्ड करें, इसे ग्लू पर लगा देंगे। जितना हो सके उतनी सफाई से करेंगे। बीच में ब्लैक फेल्ट लगा देंगे। अब इसे उल्टा कर देते हैं, ऐसा ही बैक और साइड्स पे भी करेंगे। अब हमारा काउच तैयार है, लो ट्राई करो। कितना कम्फर्टेबल लग रहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक्सेसरीज भी है। ये चीजें तुम्हारे बारे में दर्शाएंगी, इसके बाद तुम्हें भूख लग गई होगी। लो केक खाओ, हमें प्लांट्स भी चाहिए। और वॉल आर्ट कैसा रहेगा? मुझे क्लासिक चीजें पसंद है, और तुम्हारे पार्टनर की भी फोटो। बस हो ही गया। वाह इसे कहते हैं घर, ये कोई महल जैसा लग रहा है। हे ये क्या, माफ करना, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है, कितना गोल्डन है।
हाँ मैं वही चाहती थी और तुम्हारा डॉल हाउस थोड़ा अलग है पर अच्छा है। देखो कुछ हो रहा है। अरे वाह हम जीत गए। बधाई हो। वाह मैं बहुत खुश हूँ। हम इसके हकदार हैं। मैथ्यू यहाँ आओ और तुम भी टीना। ठीक है मैं हूँ लिली और ये है दोनों अनजान लोग। ये है मैथ्यू एक आम लड़का जो अभी हैरान है कि क्या चल रहा है और इस तरफ है टीना जो थोड़ी सी दिलचस्प लग रही है। ठीक है अब हम अपने मेन इवेंट के लिए तैयार हैं। एक रूम मेकओवर चैलेंज। हे भगवान कूल हाँ मजा आ गया। तो तुम दोनों देखोगे प्राइस क्या है। टडा कैश से भरा हुआ सूटकेस। अरे वाह हाँ तो अब हम ये चैलेंज शुरू करें। ये रहे तीन मिस्ट्री बॉक्सेस। टीना और मैथ्यू जरा इनमें से बॉक्स चुनो। मुझे ये वाला चाहिए। हाँ मिल गया। अरे वाह इसमें से तो क्रेडिट कार्ड निकला। मैथ्यू को काफी पैसे मिले और टीना मुझे माफ करना पर कभी कभी गेम ऐसे ही खेली जाती है। और आखिरी बॉक्स में क्या है। अरे वाह इसमें तो बहुत सारा कैश है। तो ठीक है मैथ्यू और टीना पैसे लगाने का समय आ गया है। हे भगवान मैं इस पैसे से अपनी दीवारों पर बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। वो सॉलिड गोल्ड बार्स जरा देखो तो भारी है। कोई बात नहीं मैंने पकड़ लिया। तुमने मेरे गोल्ड बार्स देखे टीना ये एकदम कमाल के है। मैं इनसे अपने रूम में कुछ कर सकता हूँ। चलो अब काम शुरू करें। उफ, ये तो गर्म है। जी हाँ पिघल जाओ ये अच्छे से हो रहा है। अब मैं भी थोड़ा गर्म हो गया। इतना काफी है आप देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं गोल्ड में ग्लिटर डालूंगा जितनी शाइन हो उतने कम है। इस स्टिक से इसे मिला देंगे। ब्रश तुम तैयार हो क्योंकि अब ये तुम पर लगेगा। ओह हाँ बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड को तो देखो। हाँ मेरे ब्रश पर ये अच्छे से लग गया है। अब मैं तैयार हूँ। चलो इसे रोल कर देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छे से लेयर करेंगे ताकि कोई जगह ना रह जाए। जितना सोचा था उससे बेहतर लग रहा है। ठीक है देखते हैं यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं पेंट्स ले जाती हूँ अब यहाँ से निकल जाएंगे। ओप्स तुम ये क्या कर रही हो। हाय ऑफिसर सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। यही मुझे दो मेरी नजरें तुम पर ही है। वो मैथ्यू तुम्हारी दीवार तो बहुत अच्छी लग रही है। विश्वास नहीं होता। हटो टीना तुम अपनी साइड पर ही रहो। वो ठीक कह रहा है। खैर मेरे पास पेंट तो है। हाँ मैं पर्पल से शुरू करूँगी और बाकी काम ग्रेविटी का है। वाह ये पेंट कितने आराम से गिर रहा है। पर अब अगली चीज की बारी है। मुझे अपने हाथ पर थोड़ा पेंट चाहिए। अब मेरे हाथ इस कलर से पूरे ढके गए हैं। दीवार पर मैं अपने हाथ के निशान बनाऊंगी। हाय फाइव मैथ्यू मैं मजाक कर रही थी। ठीक है देखते हैं तुमने अपनी दीवारों पर क्या क्या किया। वाह तुम दोनों से ही मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। पर देखना तो होगा। अब चलो बेड्स पर चलते हैं। मैंने पहले से ही पेंट पर इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। हाँ डिलीवर कर दो प्लीज। है आपने शेल्विंग यूनिट मंगवाई थी। थैंक्स मुझे तुम्हारी यूनिफॉर्म पसंद आई। हाँ ये मेरे काम आएगी। योइंग मेरे कपड़े भागो। बस ये बकल बंद करना है और हो गया। अब मैं तैयार हूँ। इसे मैं टेढ़ा करके रख देता हूँ। किस तरह परफेक्ट। और शेल्व्स ले आता हूँ। ओ है कैसे हो बड़ी ये यहाँ ले आओ। ये रही मैट्रेस। है तुम तो वही लड़के हो ना। नहीं 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 तुम दोबारा मेरे कपड़े ले लोगे। ओह मेरी मैट्रेस। ठीक है इसे शेल्फ पर रखकर अब हम इसका बेड बना लेंगे। इस बेड की सबसे अच्छी बात है कि हम इसके नीचे इतना सामान भी रख सकते हैं। ओह कितना बढ़िया स्पार्कली पिलो है पूरा बेड ही। तुम वहाँ क्या कर रही हो टीना। मुझे अपनी तरफ भी शुरू करना होगा। अरे नहीं मैट्रेस ये मेरा है मैंने इसे पहले देखा। छोड़ दो ये मुझे दो। ठीक है फ्रेड तुम्हारा दिन अच्छा हो। मैं अपने रूम में वापस आ गई। मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा था। सामान साथ रखना शुरू करती हूँ। मुझे इन बॉक्सेस को इस तरह साथ में रखना होगा। ये देखो इन बॉक्सेस से बेस बन गया जो कि फ्री थे। अब मैट्रेस की बारी इससे ही ढक जाएगा। मेरे पास रेड ब्लैंकेट भी है। सिर्फ यही नहीं कॉन्ट्रास्ट के लिए ये कलरफुल पिलोज भी रखेंगे। वाह तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब लग रहे हैं ना ये रूम। ओह लगता है मैथ्यू अभी ही सो गया। मैं ठीक करती हूँ। उठ गया टीना मुझे तुम्हारी ये कलर स्कीम बहुत अच्छी लगी। हाँ
अरे यार, तुम्हारे बेड पे तो एक आदमी है। चलो अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें कार्ड्स को इस तरह घुमाने में मजा नहीं आता। अब हम टेबल्स बनाएंगे और तुम इस कार्ड में से कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। ओह, ये प्लास्टिक बॉटल्स मेरे काम आएंगी। लो, ये कार्ड लगाओ प्लीज। ठीक है, ये टेबल अच्छा दिख रहा है। मैं इसे बेड के साथ लगा देता हूँ। सोते हुए साथ में टेबल होना जरूरी है। मैथ्यू, इस कार्ड में से कुछ मिस मत करना। रुको, क्यों? पर ये तो टायर है, मुझे वो नहीं चाहिए। माफ करना, पर रूल्स में यही है, तुम्हें टायर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, ये तो किसी ने नहीं कहा कि ये टायर जैसा ही दिखना चाहिए। इस कपड़े से सब बदल जाएगा। ये देखो, अब कोई कह नहीं सकता कि ये टायर था, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। हमें इसे उल्टा करना होगा। ये गोल्डन टेबल लेग्स बहुत अच्छे से काम आएंगे। इस पार्ट के लिए हमें पावर टूल्स और स्क्रूज चाहिए, पर चैलेंज होकर रहेगा। स्क्रूज आराम से लग चुके हैं। जी हाँ, अब इसे दोबारा सीधा कर देंगे। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये टायर हुआ करता था। अच्छा है मैथ्यू, पर मेरा ध्यान मत भटकाना। ये देखो, ये बस आखिरी थी। अब इस पर टेप लगाएंगे बॉटल्स के आसपास। इस तरह बॉटल्स अपनी जगह टिकी रहेंगी। दूसरी तरफ एक और पीस और ये सिक्योर हो गया। अब बॉटल्स पर हम ये टेबल टॉप लगा देंगे। ये ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि मैं इसे उल्टा कर दूंगी। अब ये रहा एक और टॉपर और बिल्कुल एक और टेप। अब ये अच्छे से टिक चुका है, एकदम सॉलिड है। अगले पार्ट में टेप ही काम नहीं करेगी। मुझे ग्लू चाहिए, पर क्लियर वाली नहीं, हमें कलर्ड ग्लू चाहिए, जैसे ये रेड है। ओह, देखो ये हार्ट कितना प्यारा है। ये ग्लू की तरह ही काम करेगा। अब इस फोम को हम इसके ऊपर रख देंगे और अब येलो फैब्रिक। अरे वाह, देखो कितना बढ़िया बना है। हाँ, अब ये दोनों टेबल्स देखते हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। मुझे लैंप्स पसंद है। और हाँ, ये तो लाइट बल्ब्स हैं। ये लो, तुम दोनों ये किक मेरी तरफ से ले लो और कुछ अच्छा करना। हे बर्थडे गर्ल, मुझे ये सारे टॉयज चाहिए, पर घबराओ मत, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। $10,000? वाओ, ये रहे मेरे टॉयज। इस कार से शुरू करेंगे, पहले इसे गोल्ड पेंट करेंगे, दरवाजों से लेकर रिम्स तक। ये रहा गोल्डन लैंप और ये गोल्डन कार इसके साथ जुड़ जाएगी। अब हमें चाहिए गोल्डन आर्मी। अरे वाह, देखो मेरा लैंप कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर लैंप शेड रख देते हैं फिनिशिंग टच के लिए। इसे कहते हैं जबरदस्त लैंप। मैं कर सकता था और मैंने कर ही दिया। देखो मुझे क्या मिला, ये पुराना लेदर सूटकेस है। बढ़िया है ना? सिर्फ यही नहीं, इस पे बहुत सारा सामान भी है। इससे मेरा लैंप बहुत बढ़िया बनेगा। इसके लिए हमें एक लंबा स्क्रू चाहिए क्योंकि दोनों में से निकालना है। टाइट हो गया। अब हमें चाहिए एक लैंप हार्डवेयर और एक कॉर्ड। इसमें जितने भी होल्स थे उसमें से कॉर्ड को निकाले, बेस पर लगाया और ये परफेक्ट है। तुम तैयार हो लाइट बल्ब? बस इसे यहाँ लगा देंगे और देखो शानदार, कितना ब्राइट है। हे भगवान, तुम दोनों तो यहाँ रोशनी ले आए। वाह, इन गोल्डन सोल्जर्स ने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इतना मॉडर्न मिनिमलिस्ट डिजाइन कैसे बनाया टीना, बुरा नहीं है। लैंप्स भी बन गए। अब तुम्हारे रूम को और क्या चाहिए? मैं कॉल करता हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे कौन कांटेक्ट कर रहा है? हे, सुन रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ठीक है, ये काम बढ़िया रहेगा। मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? सिर्फ $1। मैं इसे दीवार पर टांग दूँ? ये लो टीना, तुम्हारे कमरे में कचरा जचता है। हे मैथ्यू, इतने मतलबी तो मत बनो। अरे हाँ, मेरे दिमाग में कुछ आया। पहले इस क्रॉक को काटेंगे, अब टिप्स पर हॉट ग्लू लगाएंगे क्योंकि मुझे इसका एंगल बदलना है। मैं हेक्सागोनल शेप्स बना रही हूँ मेरे क्रॉस के साथ। क्लोथ पिन लगा कर अपने दोस्तों की फोटोज लगाऊंगी और यही है मेरी डेकोर। इसे दीवार पर लगा देती हूँ बिल्कुल यहाँ, ताकि मुझे हमेशा दिखता रहे। अच्छी यादों को कौन याद नहीं रखना चाहता। उसने कहा है कुछ अलग चाहिए, ये तो काफी अलग लगता है। तो चलो फ्लावर्स। हे भगवान, क्या ये फर्श से चिपका हुआ है? मुझे कुछ और चाहिए। हे, ये बूढ़ा आदमी काम आएगा। चलो चले। टाटा, मेरे पास एक आर्टवर्क है जैसा तुमने बोला था। ओह हे, ठीक है, ये परफेक्ट है। ये लो, जैसा मैंने कहा था। तो क्या मैं इसे यहाँ पर लगा दूँ? नै, इस टेबल पर? बिल्कुल नहीं, मैं इसे कहाँ रखूँ? एक सेकंड रुको, टॉयज का बॉक्स, यही इसका हल है। मैं इस पोर्ट्रेट को यहाँ से हटा देता हूँ, फ्रेम पर कलर करेंगे। अब बारी है डायनासोर की। शांत हो जाओ डायनासोर, मैं बस तुम्हारी लातों पर ग्लू लगा रहा हूँ। अब तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। इसे कहते हैं ना आर्टवर्क।
यहाँ लगा देता हूँ, बिल्कुल इसके साथ नहीं। बढ़िया, कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। अब ये पैसे जीते जाएं। वाह, तुम दोनों आखिर तक पहुँच चुके हो, मैथ्यू और टीना। हाँ, अब देखते हैं विजेता कौन है। उम्मीद है कि तुम ये पैसों से भरे ब्रीफकेस को तो भूले नहीं होगे। तुम दोनों ने ही बहुत अच्छा किया। पर विजेता है मैथ्यू। मैं जीत गया। मैं जानता था ये काम करेगा। कोई बात नहीं टीना, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। एक क्रेडिट कार्ड जिसकी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं रोऊंगी नहीं। ये गुड बाय नहीं है, हम फिर मिलेंगे। वो आज का दिन मेरे लिए लकी है, मेरी खुद की डॉल। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। तुम सुंदर लग रही हो, कितनी स्टाइलिश हो। ओह हे, हे भगवान, तुम्हारी डॉल को क्या हो गया? आज उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे। ये क्या था, एक डॉल मेकओवर? काफी बढ़िया चीज है, मैंने ये पहले देखा। ये बहुत कूल है, मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं। तुमने सुन लिया लेडी, ये क्या हो रहा है? बहुत मजा आएगा। रुको, ये स्मेल कैसी है? वाओ, मेरा नाक खराब हो गया। आराम से बैठो। इसे कहते हैं सर्विस। तुम्हारी बदबू तो बिल्कुल मेरे जैसी है, हमें तुम्हें साफ करना होगा। बहुत बुरी लग रही हो, बुरा मत मानना। एओ, ये देखो कितना गंदा है। थोड़ा समय लगेगा, पर घबराओ मत, तुम एक नई डॉल जैसी दिखोगी। तुमने पर्सनल हाइजीन के बारे में सुना है? ये क्या था? इसे रोको, बहुत गंदगी है। मेहनत का काम है, कुछ बड़ा करना होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। ओ, मुझे उल्टी आ रही है, मैंने फ्राइज मांगे थे। गंदी क्यों टिप्स नहीं? अब तुम अच्छी लग रही हो, पर बदबू अभी भी आ रही है। हम इसका क्या करें? एक सेकेंड रुको, मैं ये बॉक्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। कूल, फ्री लाइट शो। क्या ऐसा करना जरूरी है? मुझे यही चाहिए, खुद का शावर। और क्या चाहिए होगा, तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? अंदर जाओ, मैं और बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहाते हुए म्यूजिक बहुत पसंद है। ओह, ये वाला अच्छा है। क्या हो गए? ओ नहीं, मेरी डॉल। ये क्या बकवास है, तुम्हारा मेकअप फैल गया, ये नहीं चलेगा। हमें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। समझ गए, शायद ये काम करे। ये हमारे हिसाब से थोड़ा बेसिक है, बाहर की तरफ गोल्ड पेंट करेंगे। ब्रश की जगह मैं स्पॉन्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसे टेक्सचर मिलेगा। इसे पूरे कंटेनर पर कर देंगे, इसके सपोर्ट के लिए ऐसे डेकोरेटिव फीट लगा देंगे। पर अब ये पूरा नहीं हुआ, हमें थोड़ा और चाहिए। कंटेनर के ऊपर की तरफ क्लियर नेल पॉलिश पेंट करेंगे। अब इसके ऊपर गोल्ड ग्लिटर छिड़क देंगे, पर इस पर जेमस्टोन्स भी होने चाहिए, है ना? वाह, ये कमाल का लग रहा है, लगता है ये तैयार है। ये टब क्वीन के लिए बना है। चलो अब इसमें आराम करें, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पानी कैसा है? उम्मीद है गर्म होगा। मुझे थोड़ी कैंडल्स जला लेनी चाहिए, उससे मूड बन जाएगा। तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है इतना समय काफी है, नहीं तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। बाहर आ जाओ। क्या ये कोकोनट बॉडी वॉश की खुशबू है? अच्छी चॉइस है। अभी और भी काम बाकी है। तुम्हारी बालों में कितनी गम है, मैं इसे कैसे ठीक करूँ? चलो तुम्हारे बाल बनाए जाएं। पहले मैं गम काट देती हूँ। तुम्हें चाहिए? हेल छोड़ो। जी हाँ, सब निकाल दिया, अब इसे स्टाइल करेंगे। पर मेरे पास ब्रश नहीं है। ये नहीं चलेगा। आहा, ये परफेक्ट है। बस ये ब्रांच काट लेंगे, छोटा सा ही पीस चाहिए। एक साइड पर ग्लू लगाएंगे, अब टूथपिक्स लगा देंगे। अब मैं तुम्हारे बाल बना सकती हूँ, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अच्छा लग रहा है, ये काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तुम सैलून से ही निकली हो। अब तुम्हारे बाल एकदम मुलायम हो गए। अब तुम सूख गई हो, पर तुम्हारे बाल, याइक्स, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ऐसे देखे। कोई बात नहीं, मेरे पास ब्रश है। अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। हे, क्या कर रही हो? ओह, जरा रुको, मैं ये जरूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। वाह, बस ब्रिटनी को पता न चल जाए। देखो मेरे पास क्या है, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इसे तुम्हारी बालों में डालती हूँ। ओह, कितना प्यारा है, एक्सेसरीज हमेशा अच्छी दिखती हैं। ये ठीक नहीं जा रहा, चलो कलर करते हैं। हिलना मत, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आर्ट क्लास में हमने ऐसा ही कुछ सीखा था, और मैं उसमें भी बुरी हूँ। अब एक ही चीज हो सकती है, मुझे इसे काटना होगा। तुमने कभी बॉब कट सोचा है? शायद मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, जितना सोचा था उससे बहुत मुश्किल है।
ओह, बहुत हुआ, मैं इन्हें निकाल रही हूँ। आजकल बॉल लुक चलती है। वाह, तुम्हारा सर तो बहुत शाइनी है। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इसे ठीक करना होगा। हाँ, मैं समझ गई, मुझे रिबन चाहिए। बस एक छोटी सी स्ट्रिप चाहिए, एक नीडल लेंगे और इससे रिबन के थ्रेड खींच लेंगे। अब इस पर टेप लगाएंगे। अब इसे इसके सर पर लगा देंगे। हमने लेयर्स बना दी हैं, बिल्कुल विग की तरह, और ये खूबसूरत लग रहा है, एकदम लंबी और गोल्डन। गोल, तुम कमाल की लग रही हो। आगे से ट्रिम कर देते हैं, लगता है हो गया। रुको, ये क्या देख रही हो? हाँ, ओह, मैं समझ गई, मुझे तो वो बहुत प्यारा लग रहा है, तुम्हारे टाइप का है। हाँ, वाह, तुम तो काफी बहक गई हो, और लगता है वो भी तुम्हें पसंद करता है। तुम बाहर ये पहनकर नहीं जा सकती, हमें तुम्हारे लिए आउटफिट चुननी होगी। चलो यहाँ बैठ जाओ। तुम्हें ये कैसा लगा? मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, ये अच्छे लग रहे हैं। वाह, तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, हमने पूरा वार्डरोब देख लिया है, अब और कपड़े नहीं बचे, तुम्हें कुछ तो पहनना होगा। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं ये मटेरियल इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस यहीं रुको, फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे, अब कोने में एक कट लगाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा काटेंगे। अब इसे तुम्हारी कमर पर बांधेंगे और लेयर्स लगाएंगे, गोल्ड रिबन की स्ट्रिप के साथ बांधेंगे। ये ड्रेस कितनी जबरदस्त है और फ्लोइंग भी। अब वो तुम्हें देखेगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम ये कर सकती हो। ओह, कितना रोमांटिक है, जैसे फेरी टेल में होता है। गाइस, ये फैमिली शो है, मैं तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी देती हूँ, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, वो बहुत अच्छा है। ओह, ये रोमांस देखकर मुझे नींद आ गई। चलो निकलो यहाँ से। तुम बैग क्यों नहीं जाती? ये डॉल्स कौन है और उन्होंने क्या कहा? उसे अकेला छोड़ दो, हंसना बंद करो, डॉल्स बहुत बुरी हो सकते हैं, उन्हें इग्नोर करो, हमें बस ये कपड़े बदलने हैं। मैं समझ गई, तुम्हें जादू पसंद है ना, ये मेरी अभी तक की सबसे अच्छी ट्रिक होगी। मैं एक कचरे के बैग को एक जबरदस्त ड्रेस बनाने वाली हूँ, तुम्हें कैसी लगी? मानना पड़ेगा शानदार, सबको ब्लैक ड्रेस चाहिए होती है। ने ने। अभी ने पता चला, मुझे मदद कर बहुत खुशी हुई। वो जरा इन ड्रेसेस को देखो, कितनी अच्छी है, गार्बेज बैग वाली। मेरे पास भी एक है, चलो अपना मुंह खोलो, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हम ये बात के लिए रख लेते हैं, पर कहाँ रखें? नहीं, ये काम नहीं करेगा, तुम इसे पकड़ सकती हो, हमें कुछ सोचना होगा, जरा मुझे टाइम दो। वो तुमने ये देखा? रुको, तुम ये क्या कर रही हो? ओ नहीं, ये नहीं, उठा लिया। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे बस इस कपड़े में से छोटा सा पीस चाहिए। एव, तुम्हारी नेल्स, यॉक, इसे रखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़े गंदे हैं, मैंने बाद में साफ कर लूंगी, अभी मेरे पास और भी जरूरी काम है। इस कपड़े को टेबल पर रखेंगे, अब छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह, अब इस पर स्ट्रिंग लगा देंगे और साथ में जोड़ देंगे। वाह, एक डिजाइनर हैंड बैग, इसमें तुम्हारा सारा सामान आ जाएगा, जैसे पानी की बॉटल। लो ट्राई करो। एक सेकंड रुको, हमें तुम्हें भी एक बैग देना होगा। देखते हैं, मेरे बैग में कुछ तो होगा, ये नहीं चलेगा, जरा रुको, ये क्या है? मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास टूथब्रश भी है, पर मैं ये अपने दांतों पर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, केस पर ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। मेरे पास सजावटी बीज वाला पूरा एक बोल है, इसमें केस डिप करेंगे, अब घुमा देंगे, ये अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अब टूथब्रश को निकाल देंगे, ये क्लच बैग बन गया, मेरी डॉल को यही तो चाहिए। ये तुम्हारी ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, हम कमाल करने वाले हैं। ब्रिटनी बहुत अच्छी है, हम दोस्त बन सकते हैं? हे भगवान, ये मेरे लिए है, मैं ये करना चाहूंगी, पहले मुझे गिफ्ट चाहिए। ओह, ये क्या है? ओह, ये खाली है, मुझे कुछ और ढूंढना होगा। यहाँ क्या है? मुझे नहीं लगता ये ब्रिटनी को पसंद आएगा, आगे चलते हैं। मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी। ओह, शायद उसे फ्लावर्स पसंद आए, मैं ये ले लेती हूँ, बहुत सुंदर बुके बनाऊंगी। फ्लावर्स को साथ में रखेंगे, इसके आसपास स्प्रिंग लपेट देंगे और एक बो लगाएंगे। ओह, ये कितना सुंदर है, उम्मीद है उसे पसंद आए, चलो ये उसे दो। ब्रिटनी, ये क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो।
मेरे लिए मैं अभी आती हूँ। पर मुझे कुछ ढूंढना होगा, इसमें से कुछ नहीं चलेगा। ओह एक नेकलेस, पर मुझे कुछ और चाहिए। ओह एक टाइगर, लगता है ये काम आए। कोशिश करते हैं, इसे किसी खास चीज में बदल देंगे। नहीं, डायनासोर में नहीं। एक स्कॉर्पियन। हाँ ये हुई ना बात, इस पर कलर करते हैं। ब्लैक पेंट से स्पॉट्स बनाएंगे, अब इसके ऊपर येलो पेंट करेंगे, ये कमाल का दिखेगा। अब हमें एक नेकलेस चाहिए, इसे नेक पर लगा देंगे। वाह जरा इसे देखो, काफी महंगा लगता है। शानदार। हाँ कैंडल बहुत उदास लग रही है, चलो उसे खुश करें। हे कैंडल, क्या ये तुम्हारे लिए है? अच्छा है ना? वाह कभी किसी ने मुझे पहले गिफ्ट नहीं दिया। ये फ्लावर्स लो। कम से कम तुमने सोचा तो सही, आओ गले लग जाओ। वो बहुत प्यारी आउटफिट थी, तुम अच्छी लग रही थी। शायद अगली बार खरीद लूं। हे वो क्या है? वाह एशली देखो। क्या समझ नहीं आ रहा, $10 या $10,000? हम इसे फ्लिप करें? हाँ चलो करते हैं। तैयार हो? बहुत मजा आएगा। लगता है मेरी किस्मत चल गई। ओह ये तो गलत बात है, मुझे ये मिला था। हाँ मैं जानती हूँ, पर रूल्स तो यही है। वो जरा इसे देखो, और ये सारे मेरे हैं। कमाल है। हाँ मुझे अभी से बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा कैश का सूटकेस कहाँ है? मैं कुछ करती हूँ, बस यही। हे भगवान शुक्रिया। ठीक है चलेगा। ये क्या है? मतलब अभी तो रात है, तो इतनी रोशनी क्यों? ओह मैंने तुम्हें जगा दिया, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ दोबारा सो जाते हैं। बहुत हुआ, मुझे कुछ करना होगा। हाँ तुम क्या कर रही हो? आधी रात हो रही है। हेलो मुझे मदद चाहिए। तुमने बुलाया? मुझे पर्दे चाहिए। शानदार, ये रहे कुछ कमाल के सैंपल्स। वो वाला अच्छा है। ठीक है चलो नाप ले लेते हैं। कहाँ पर लग जाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बढ़िया, मैं बहुत थक गई हूँ। हे ध्यान से, सब हो गया तो तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छे, तुम्हें ये मिलना चाहिए। बस यही। ये मजाक है ना? जो भी हो ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया। नेने। अब मैं आराम से सो सकती हूँ। वो तो हम देख लेंगे। वाह ये पर्दे बहुत अच्छे हैं। ओह हेलो एक और विक्टिम। ओह चलो भी, सोने की कोशिश कर रही हूँ। उन पर्दों को तो देखो, ये आइडिया अच्छा है, पर मेरे पास कुछ भी फैंसी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मैं ये ब्लैंकेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले ब्लैंकेट को फ्लैट सरफेस पर रखेंगे, अब एक कोना फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे और लेयर्स बनाते जाएंगे। हाँ अब इसे इकट्ठा कर लेंगे, हमें इसके बीच में एक होल करना है। ओह कितना प्यारा है। अब इसे साथ में बांध देंगे, इस स्ट्रिंग को इस छेद में से निकालेंगे और दूसरी तरफ से पकड़ लेंगे और फैब्रिक को खोलेंगे। लगता है ये तैयार है, चलो इसे टांगे, इससे लाइट अंदर नहीं आएगी। रुको, हे ये ठीक नहीं किया। खैर गुड मॉर्निंग। मैं इस बुक को रख ही नहीं पा रही, बहुत दिलचस्प है। वाह बहुत ही बढ़िया। मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? जरा इसे देखो। वाह हेलो मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है, कितनी अच्छी सर्विस है। ये लो मुझे यही तो चाहिए था, ये परफेक्ट है।
हाँ वो क्या है, खैर छोड़ो, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहूंगी। अब मेरा खुद का नाइट क्लब है। बढ़िया है ना, वो शानदार, वो जरा इसे देखो, मैं भी पार्टी कर सकती हूँ। नहीं वो, पर वो बुरी है, जरा रुको, ये काम नहीं कर रहा। ओह मैं समझ गई, हे मेरे पास ये है और ये जादुई है। मिल्क कार्टन से इसका टॉप हटा देंगे, अब इसमें से स्टार्स काटेंगे, अब इसके ऊपर पेपर लगा देंगे, थोड़ा सा पेंट और मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। सबसे अच्छे डांस मूव्स बाकी है। तुम्हें कैसा लगा? मेरे पास लैंप भी है, इस कार्टन को बल्ब पर रखेंगे और पार्टी कर सकते हैं। वो चलो चले, ये बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया, कितना खूबसूरत है। वो सच में अच्छा है। एशली तुम क्या कर रही हो? मुझे ध्यान लगाने दो, ये बहुत मुश्किल है। बढ़िया, चलो भी। नहीं मैं हार गई। क्या हुआ? ओह अच्छा, ये लगता तो मजेदार है, काश मैं खेल पाती। एशली मैं खेल सकती हूँ? तुम सच में? नहीं, मुझे वो पहले सोच लेना चाहिए था। ठीक है। वो आउच, बहुत जोर से लगा, अपनी आवाज कम रखो। ओ जेनिफर कॉल कर रही है। हे गर्ल, यही मौका है, मैंने इसकी काफी ट्रेनिंग ली है, एकदम आराम से मिल गया, जल्दी करना होगा। कंट्रोलर के आसपास ट्रेस कर लेंगे, ये अच्छा लग रहा है, अब इसकी और जरूरत नहीं, इसे बोलते हैं परफेक्ट प्राइम। हाँ अब गेम खेल लेते हैं, उसे कुछ पता भी नहीं चला, अब इसे पूरा करना है। पहले इसे काटेंगे, इसे पहले कोनों से काट लें ताकि ये आसान हो जाए। हमें अब ये नहीं चाहिए, कोने पर ग्लू लगाएंगे, अब ये फ्लेक्सिबल कार्डबोर्ड स्ट्रिप इस पर लगा देंगे, ग्लू की तरफ दबाएंगे और फिर इसे मोड़ कर टिका देंगे। इसके ऊपर एक और कंट्रोलर टेम्पलेट लगाएंगे, अच्छा लग रहा है पर पूरा नहीं हुआ। अब ये हो गया, आखिरकार मैं गेमर हूँ। वो ये बहुत कूल है, मुझे बस इमेजिनेशन की जरूरत थी, क्या गेम है। ओह बच गए, चलो भी। तुम ये क्या कर रही हो? ये बस कार्डबोर्ड है, पर कम से कम वो खुश है। हाँ मैं जीत गई, वाह, क्या तुमने वो देखा, बहुत अच्छी। ठीक है चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे क्या वो क्रिस है? वाह वो इटली में है और वो अच्छा दिख रहा है। मुझे अपनी फोटोज पोस्ट करनी चाहिए, शायद उसे वो पसंद आए, अच्छी साइड आनी चाहिए, मैं बहुत क्यूट लगूंगी। हाँ अब देखते हैं। क्या मैं तो अच्छी लग रही हूँ, पर ये बैकग्राउंड, मैं ये पोस्ट नहीं कर सकती, दूसरा एंगल ट्राई करते हैं। नहीं ना, ओह समझ गई, जल्दी से कॉल करती हूँ। हेलो, मेरी सेल्फीज अजीब सी आ रही है, कुछ करो फिर मिलते हैं। अब वो क्या कर रही है, और अब मैं इंतजार करूंगी। फिर बहुत भारी था। वाह ये तैयार है, अब कैश लाओ, मजे करो, मुझे यही तो चाहिए था। वाह ये परफेक्ट है, मैं हमेशा से ट्रैवल करना चाहती थी, कितने सारे ऑप्शंस हैं। ओह पिज़्ज़ा, स्माइल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह ये लाइक्स तो देखो, मैं पॉपुलर हो गई, वो बहुत लकी है, मैं भी वो करना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, मैं कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपने कमरे को बिना छोड़े पूरी दुनिया देख सकती हूँ। चलो क्रिएटिव हो जाए, पहले एक फ्रेम बनाना होगा, फिर इसे काटेंगे, फ्रेम को मैं कार्डबोर्ड पर लगा दूंगी,
अच्छे से दबाएंगे ताकि ये टिका रहे। कार्डबोर्ड की छोटी सी स्ट्रिप काटेंगे और इस पर ग्लू लगा देंगे। अब इसे फ्रेम पर हॉरिजॉन्टली लगाएंगे और एक स्ट्रिप वर्टिकली। ये एक विंडो फ्रेम जैसा लगेगा। मैंने कुछ शटर्स भी बनाए हैं। अब इसे दीवार पर टांग देंगे। ये जगह ठीक लगती है। पेरिस। मुझे पहाड़ों पर जाना है। इटली के बारे में क्या ख्याल है? एक फोटोग्राफ ले लेती हूँ। कितनी बढ़िया लग रही है। स्पार्टी से बेहतर और क्या होगा? खुद को पैम्पर करना अच्छा लगता है। पता है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। एक गोल्डन फेस मास्क, इससे बेहतर और क्या होगा? और मेरी डॉल को मत भूल जाना। मेरी जिंदगी बहुत शानदार है। उसे सबसे अच्छा मिलना चाहिए। क्या ये फुटपाथ है? मैं सुबह से चल रही थी। कितनी शॉपिंग करनी पड़ी। हाँ, गर्मा गर्म। बैगी आइस के लिए गोल्ड सही रहता है। मेरे बैग्स है नहीं। मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। ये स्पा कमाल का है। मतलब मैं अपने पैर धो सकती हूँ। यही जिंदगी है ना? हम इसे स्नैक के लिए रख लेते हैं। ये क्या हुआ? वो एक बार भी पार्टी। अरे हाँ, आखिरकार हमने कर दिखाया। हम आ ही गए। वहाँ सारी डॉल्स आने वाली हैं। हमें एक आउटफिट चुननी होगी। मुझे ये पार्ट बहुत पसंद है। फैशन शो। तुम्हें कुछ पसंद आया? नहीं। क्या ये मैंने खरीदा? याइक्स। ओह, मुझे कुछ मिला है। मैं तैयार हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ और सच बताना। वो तुम शानदार लग रही हो। रुको, वहाँ बार्बी पार्टी हो रही है। हमारा इनवाइट पोस्ट में गुम हो गया होगा। यहाँ पर आओ, हम पार्टी में जा सकते हैं। हे, क्या मैं साथ में आ जाऊँ? प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बेटी से पूछती हूँ। बेटी सुनो, वो हमारे साथ पार्टी में जाना चाहते हैं। सच में? वो हाँ, ये ठीक रहेगा। उन्होंने कहा चल सकते हैं। वाह, शुक्रिया, बहुत मजा आएगा। पर ये नहीं चलेगा। हमारी भी कोई रेपुटेशन है। मतलब ये आउटफिट्स। हम कुछ तो कर सकते हैं। रुको, मैं समझ गई। ये बलून सब सॉल्व कर देगा। चलो काम पर चले। रुको, हो गया। तुम्हें कैसा लगा? ये बहुत ही शीक है और पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार। वो मुझे पसंद आया। मेरे पास एक बैग है जो इसके साथ जाएगा। रुको, शायद मेरे डॉग ने ही खा लिया। हाँ, वो मेरा फेवरेट था। सोचो तुमने कुछ नहीं देखा। ये कचरे में जाएगा। कोई बात नहीं, पर तुम्हें कुछ चाहिए होगा। शुक्र है मेरे पास ये शाइनी कार्ड है। मैंने इसके ऊपर लाइन्स मार्क की है। अब इसमें क्रीज बनाएंगे। अब इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। एक और फोल्ड यहाँ करेंगे। दोनों साइड्स पर कुछ ऐसा करेंगे। कोनों को फोल्ड कर देंगे। मुझे छोटे ट्रायंगल्स बनाने हैं, बिल्कुल इस तरह। अब साइड्स को फोल्ड कर देंगे। ट्रायंगल्स को पकड़कर कार्ड को फोल्ड कर देंगे, ओरिगामी की तरह। लेकिन मैं बर्ड नहीं बना रही। सारी क्रीसेस बन गई हैं। अब बैग को जोड़ना शुरू करते हैं। इसके अंदर कॉर्नर्स को बेंड करेंगे और ऊपर से फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है। साइड्स को पिंच कर देंगे और इन्हें बीच में लेकर आएंगे। अब कार्ड को साथ में जोड़ देंगे। अब इस पीस को एनवलप की तरह मोड़ देंगे। ऐसे एक फ्लैप बनाएंगे। जी हाँ, प्यारा सा बैग तैयार है। इसमें स्पार्कल की भी जरूरत है। ओह, मैं चेन लगा सकती हूँ। बहुत अच्छी स्ट्रैप बन जाएगी। ये परफेक्ट है। मेरी डॉल को यही तो चाहिए। मैं सबको दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितनी बढ़िया एक्सेसरी है। ये तुम्हारी ड्रेस के साथ जचेगी। अच्छे लग रही हो दोस्त। तुम्हें कैसा लगा? तो ऐसी बात है। हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। अब जरा रुको, मेरे पास है। रुको, क्या ये शू बॉक्स है? क्या फर्क पड़ता है? मैं इसे काम चला सकती हूँ। बस इसे मेकओवर देना है। ब्लैक पेंट कोट करेंगे। अब इसके सूखने का इंतजार करेंगे। अब इस पर गोल्ड पेंट लगाएंगे। इसे बॉक्स के ऊपर लगाएंगे। एक पैटर्न बनाएंगे, कुछ अनोखा। जेम्स जितने भी हो कम है। इस पूरे पर बना देंगे। ये सुंदर दिखना चाहिए। पर कमाल का। इतना काफी है। बढ़िया लग रहा है। शूज निकाल लेते हैं। गोल्ड स्ट्रिंग पर मैंने मेटल बॉल लगाई है। अब बॉक्स के ऊपर एक छेद कर देंगे और स्ट्रिंग को इस छेद में से निकालेंगे। बस इसमें कैश मिसिंग है। कमाल है। तुम्हें ये देखना चाहिए। हर डॉल को ये चाहिए होता है। ये लो। वाओ, बहुत खूबसूरत है। तुम मुझे अच्छे से जानती हो। लगता है हम तैयार हैं। चलो पार्टी करें।
क्या दिन है सच में। हाँ ये क्या है, ये केन ने गिफ्ट दिया है, कितना बढ़िया है और रोमांटिक भी। आ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुमने क्या कहा, तुम हाथ चलाना चाहती हो? हाँ नो, ये लो। मेरे केन से दूर रहो, बस करो। लगता है तुम ठीक कह रही हो, ये हमारे लिए है। ओ नहीं, हमारे लिए है ये। खैर छोड़ो, मैं इसे खोलती हूँ, फिर पता लगाते हैं किसके लिए क्या है। वो जरा ये देखो, शानदार। केन की पसंद कितनी अच्छी है। मैंने तुम्हें कहा था ना ये हमारे लिए है। जैसे मुझे फर्क पड़ता है। चलो ट्राई करते हैं, कितना कंफर्टेबल लग रहा है। हे भगवान, मुझे हमेशा से एक क्रोन चाहिए था। केन हमेशा कहता है कि मैं उसकी क्वीन हूँ। लगता है वो ऐसा ही सोचता है। चलो बैठ जाओ। ओह रुको, तुम्हें ये चाहिए होगा। मैं फिनिशिंग टच ऐड कर देती हूँ। तुम कमाल की लग रही हो। मुझे ये मोमेंट कैप्चर करनी होगी। बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट है। चलो ले स्माइल। लाइफस्टाइल मैगजीन देखकर पागल हो जाएंगी। तुम कैमरा में बहुत अच्छी आती हो, एकदम नेचुरल। क्या कर रही हो? मैं जादू कर रही हूँ। हाँ इसी पोज में, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। वाह शानदार। हाँ मैं जानती हूँ। वाह एकदम जबरदस्त। एक सेकंड रुको, तो स्ट्रॉ यहाँ था, मैं यही ढूंढ रही थी। मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। स्ट्रॉ के साइड में ग्लू लगाएंगे, जरा सा सेक्शन छोड़ देंगे, इस पर एक और स्ट्रॉ चिपकाएंगे और लगाते जाएंगे जब तक कुछ ऐसा ना बन जाए। मैं इसे एक साइड पर रख सकती हूँ। दो स्ट्रॉस को साथ में जोड़ देंगे इस तरह। अब हमें एक और बनाना है, ये मेरा फ्रेम बनेगा। बाकी स्ट्रॉस को ऊपर रख देंगे, ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग लॉन चेयर बन जाएगी। मैं इसे जरूर इस्तेमाल करूँगी। ये मैं अपनी डॉल को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती, उसे वो बहुत पसंद आएगी, उसे यही तो चाहिए। कितनी रिलैक्सिंग होगी, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। अरे यार ये मजेदार है। ओ, एक एक्शन शॉट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर और ऊपर। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, ये चेयर तो टूट गई। मैं ऐसा पूरा दिन देख सकती हूँ। हंसना बंद करो, तुम्हें विश्वास हुआ? वाह एक नई डॉल, पता नहीं वो कैसी दिखेगी, चलो पता लगाएं। वो कितनी फ्यूचरिस्टिक है, पर इसे नहाने की जरूरत है। ये मैं इसे पानी में डाल देती हूँ, बस ये गर्म हो। अब होगा जादू, पानी रंग बदल रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। लगता है ये तैयार है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम खूबसूरत हो। चलो तुम्हारे बाल ठीक करें। वो बहुत सुंदर, कलर्स कितने सुंदर है। काश मेरे बाल ऐसे होते। वो कितनी लकी है, जिंदगी कितनी बुरी होती है। तुम रो क्यों रही हो, मुझे एक डॉल चाहिए। ओह, उसे कितनी जरूरत है। लो एक ले लो, ये ले लो। वाह आज का दिन मेरे लिए लकी है। ओह, एक सेकंड। ओह हाँ मैं वो तो भूल ही गई थी, वो तो यहीं पर है। पकड़ो, ये थोड़ा अजीब है पर मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहुत मजेदार है, मुझे मजा आ रहा है। तुम इसके लिए तैयार हो? चलो चलें। तेज और तेज, मैंने अभी शुरू किया है। हवा से मेरे बाल उड़ रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? शायद मैंने कोई कीड़ा खा लिया। क्या इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ओह नहीं, ये प्लांट पॉट। देखो तुमने क्या किया, अब तो तुम गई। तुम्हें इसे साफ करना होगा, हम मजाक नहीं कर रहे। ओह, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फालतू बातें कर रहे हो। लाओ ब्रश दो, भारी है। ओह, थोड़ी मदद कर दो। चलो बताओ अब मैं क्या करूं? मैं सबकी बात सुनने को तैयार हूँ, ये काम नहीं करने वाला। इसकी जगह वैक्यूम करेंगे तो चलो। क्या बकवास है, चलो जल्दी करो। लगता है ये खराब है, मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। खैर तो इंतजार किसका है, मुझे ऐसे मत देखो, हमें कुछ और सोचना होगा। जरा रुको, लगता है मैं समझ गई, मुझे पेंट ब्रश चाहिए, ये काम करेगा। इसके ब्रिसल्स एकदम सॉफ्ट है, मैं इन्हें निकाल देती हूँ।
ये बहुत आसान था। एक कार्ड का पीस काटेंगे, इसे ब्रश पर लगा देंगे, ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब मुझे एक पतली सी लॉलीपॉप स्टिक चाहिए, इसे ब्लू कार्ड पर लपेट देंगे, इसे बिल्कुल टाइट बांधेंगे इस तरह, और टेप से टिका देंगे। ऐसा ही ऊपर और नीचे करेंगे। अब ब्रश अटैच कर देंगे, ये काम करेगा। डर्ट इकट्ठा करने के लिए भी कुछ चाहिए। मेरे पास एक ऑरेंज कार्ड है, इसे इन शेप्स में काटेंगे। बड़ी वाली शेप के कोने पर ग्लू लगा देंगे, इस पर बाकी पीसेस लगाएंगे, इस पर हैंडल लगाएंगे। एक और लॉलीपॉप स्टिक चाहिए होगी, इन्हें साथ में ग्लू से जोड़ देंगे। ये हो गया। चलो सफाई शुरू करें। ये तुम्हारा अच्छा आइडिया है, ये तुम्हें हैरान कर देने वाला है। मैं खुद से काम नहीं करती, मैं गैजेट्स इस्तेमाल करती हूँ, जैसे ये मिनी वैक्यूम। कितना प्यारा है, इससे सब साफ हो जाएगा। वाह कमाल है, और ये मेरा है। ये लो देखो, काम पर लग जाओ। ये गलत बात है, मैं तो ड्राइव भी नहीं कर रही थी, मुझे सब साफ चाहिए। ब्ला ब्ला ब्ला। तुम ये ले सकती हो। हे भगवान शुक्रिया, चलो जल्दी निपटाएं। विश्वास नहीं होता तुम मुझसे ये करवा रही हो, बस ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ये हो गया, सही लग रहा है ना? तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर गर्व है, पर ये दोबारा मत करना। वाओ, तो ये है कॉलेज लाइफ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं आखिरकार यहाँ हूँ। हाँ जरा मुझे देखने दो, लेकिन ये मेरा डोम है। बढ़िया, नर्ड मेरे रूम में रहेगी, बस मेरे रास्ते से हट जाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, ये खुल नहीं रहा, तो मुझे नर्वस कर रही हो। हटो, मुझे चाबी की जरूरत नहीं है। क्या ये इतना मुश्किल था? ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था, ये बेहुदा है। इस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, पर यहाँ बहुत कुछ है। तुम मजाक कर रही हो है ना? मैंने इससे ज्यादा अच्छे डंपस्टर्स देखे हैं। ये इतना भी बुरा नहीं है, चलो काम करें। ओह हम ये कर रहे हैं, और कौन करेगा? ये बेहुदा है, हम चाहे तो स्पाइडर को अपना पेट रख सकते हैं। ये क्या है? बोरिंग, ये कचरे में जाएगा। आओ ध्यान से जरा देख कर करो, क्या तुम मुझसे उलझना चाहती हो? तुम क्या बात कर रही हो? हाँ मुझे लगा ही था। वाह ये कितनी अजीब है, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें से बदबू आ रही है। हे लाइट्स किसने बंद की? बचाओ मैं फंस गई हूँ। भूत, एक भूत। आउच। चलो भी नन्हे दोस्त। वाह कितना सारा कचरा है, ये काफी बेहतर लग रहा है, मुझे हम पर गर्व है, लेकिन हम दोस्त बिल्कुल नहीं हैं। मुझे आराम करना है। तुम्हें दिक्कत है? मुझे अभी से ही पछतावा हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल हो? ओह मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। वाओ ये बहुत शर्मनाक था, जरा ये देखो मेरे पास एक आइडिया है। पहले मुझे वेस्ट पेपर बास्केट चाहिए, मैं इस पर कार्डबोर्ड लपेटूंगी और इसे जगह पर चिपका दूंगी। अब मैं ऊपर कार्डबोर्ड का सर्कल पीस लगाऊंगी। अगला, अब मैं सर्कल की शेप में ग्लू लगाऊंगी, ये काम करना चाहिए। मैं कार्डबोर्ड पर ट्यूब चिपका सकती हूँ, मैं अलग अलग साइज के और ट्यूब लगा सकती हूँ। अब मैंने पेंट करूंगी। ये मजेदार है, मुझे ये कलर पसंद है, ये अच्छा दिखेगा। अब मैं पेंट को सूखने देती हूँ और ये तैयार है। ये बुक काफी दिलचस्प है। हे, ये देखो, ये क्या है? ये नई चेयर है, तुम्हें क्या लगता है? खैर मुझे पसंद आया और ये आरामदायक है। हाँ क्या ये पुराना टायर है? ये कहाँ से आया? मेरे टायर से अपने हाथ दूर रखो, मैं इससे बहुत कुछ करने वाली हूँ। पहले मुझे इसे फ्लैट सरफेस पर रखना होगा। मैं टायर पर वेवी लाइंस बनाने से शुरुआत करूँगी, मैं इसे पूरे पर करूँगी। लगभग हो गया, मैं इसे जॉइंट करती हूँ। अब इसे सूखने देती हूँ। अब मुझे पर्पल पेंट की जरूरत है, मैं इसे टायर के ऊपरी हिस्से पर लगाऊंगी, पर मुझे इसको व्हाइट लाइन की दूसरी तरफ नहीं पहुँचाना, तो मुझे ध्यान से करना होगा। ये आखिरी पार्ट है,
आधा हिस्सा हो गया, अब इसे सूखने देते हैं। अब कलर्स बदलो। मैं टायर को उल्टा करके दूसरे हाफ पर येलो पेंट करती हूँ। ट्रिकी पार्ट्स के लिए मैं छोटा ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। येलो और पर्पल अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, मैं ये सूखने देती हूँ। अब मुझे ये पिंस चाहिए। मैंने टायर पर लगाती हूँ। मुझे इन्हें बराबर के स्पेस पर लगाना है। अब मैं इन पिंस पर चेन लगाती हूँ, फिर हर जगह ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल ऐसे। मैं ब्लैंकेट से टायर का बीच का हिस्सा भरती हूँ, इससे थोड़ा गद्देदार होगा। और हो गया। आह, ये कितना आरामदायक है। ओह, ये क्या है? ये मेरी चेयर है, काफी अच्छी है। हाँ, अगर तुम कहती हो। मैं कह रही हूँ। मम्मी, मेरा मतलब वो क्या था? चल देखें। ये कहाँ से आया? और ये है क्या? ये मिरर है, देखो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अपने बैग में से कुछ चाहिए। वाह, मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं। आहा, मैं यही ढूंढ रही थी। ये स्क्विशी है। ये बहुत मजेदार है, पर मेरे पास इसके लिए और बड़े प्लान्स हैं। मैं यूनिकॉर्न पर डबल साइडेड टेप लगाऊंगी और बैकिंग हटा दूंगी। अब मैं ये मिरर पर चिपका सकती हूँ। मैं बाकी की टॉयज साथ भी ऐसा करूँगी। मैं मिरर के एजेस पर ये लगाऊंगी। वाह, ये शानदार लग रहा है। मैं इसे यहाँ लगाऊंगी। ये मेरा मेकअप करने के लिए सही है, मुझे यही चाहिए था। वो, ये अच्छा आइडिया है। शायद मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन जाहिर है मेरा मिरर बेहतर होगा। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, ये काम आएंगी, लेकिन मुझे इन्हें मिरर पर चिपकाने के लिए कुछ चाहिए। ओह, ये कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक है। ओह, ये एक्सपेंडिंग फोम काम आएगी। टेप की जरूरत किसे है, ये अच्छा लगेगा। चलो ये करें। मैं मिरर पर फोम स्प्रे करूंगी। ये क्रीम की तरह लग रहा है। बस ध्यान रखना है कि चौड़ाई एक जैसी हो। इसे लगाना कितना आसान है, ये टेप से ज्यादा मजेदार है। अब मैं ये सजा सकती हूँ। मैं फोम पर बक्स लगाऊंगी। इससे पहले कि फोम सेट हो जाए मुझे ये करना होगा। मैं अपनी सारी चीजें यहाँ लगाऊंगी। याकी बग्स, मैं प्यारे फ्लफी रैट को यहाँ लगाऊंगी। हो गया। वाह, मुझे ये पसंद आया। अब ये ज्यादा अच्छा है। ये तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करता है। मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। क्या तुम क्या खरीद रही हो? दीवारें काफी खाली हैं। नहीं, मुझे नहीं पसंद। अगला क्या है? ओह, ठीक है। ये थोड़ा बोरिंग है। और क्या है? ओह, शाइनी, यही है वो। मैं इसके आने का इंतजार नहीं कर पा रही। डिलीवरी। वाह, ये बहुत जल्दी था। शायद ये क्यूट डिलीवरी गाय होगा। मैं कैसी लग रही हूँ? हेलो, आ जाओ। हाँ हाँ, मुझे और भी डिलीवरीज करनी है। तुम यहाँ रहती हो? मुझे यहाँ से जाना होगा। हालांकि मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ। सच में तुम्हें ऐसा लगता है दोस्त? मैं वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं था। क्या तुम्हारे पास मेरा गार्लैंड है? मेरी टिप कहाँ है? ओह हाँ, ये लो। क्या ये डॉलर है? क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना ही है। जाता हूँ, कुछ लोग भी ना। लेकिन मैंने इसके पैसे दिए थे। ये बहुत बुरा है। नयोमी, चिंता मत करो, कोई भी पड़ाकू को उदास नहीं कर सकता। ये मुझे दो। हे डिलीवरी गाय, इसे वापस करो। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। वो गिड़गिड़ा रहा था। इससे छुटकारा पाना बेहतर है। नयोमी, देखो मेरे पास क्या है। ये मेरे लिए है। शुक्रिया बेटी, ये मेरा गार्लैंड है। वाओ, शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी हो। वहीं रुको, ये तुम्हारे लिए। ये एक प्रैंक है ना? किसी ने मुझसे पहले कभी इतनी अच्छे से बात नहीं की। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया। वाओ, मैं प्लैनेट यहाँ लगाऊंगी। काफी बेहतर है। हमें यहाँ पर थोड़ा रॉकिंग चाहिए। ओह, ये काफी अच्छा है। ये अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा काम किया। चलो कचरे से छुटकारा पाएं। ये लो। ओह, इसमें क्या है? धीरे चलो। मुड़ जाओ, काफी बेहतर है। हमें शेल्स चाहिए। बस यहीं पर तुम्हारा मिरर यहाँ लगेगा।
तुम यहाँ पढ़ रहे हो टेरी, अच्छा और आरामदायक। मैं ये कचरा हटाती हूँ। हम ईजल पर आर्ट वर्क रख सकते हैं। मैंने इसे पहले पेंट किया था, मुझे ये पसंद है। ये एक अच्छी वॉल डेकोरेशन है। हमारे पास गिटार भी होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा लग रहा है? ये शानदार है। कितना ज्यादा बदलाव आया है, विश्वास नहीं हो रहा ये वही कमरा है। जानती हूँ, हमें ये आगे भी करना चाहिए। ये घर जैसा लग रहा है, चलो आराम करें। ये बढ़िया है, इधर आओ। क्या हम बेस्टीज बन गए हैं? मुझे हग्स कुछ ज्यादा पसंद नहीं। ओह, ये क्या है? क्या इसमें कुछ अच्छा है? बकवास, वो इसे कहते हैं खोज। रिच मॉम और पुअर मॉम, ये क्या हो रहा है? और ये लड़कियाँ कौन हैं? ओह, तुम्हें ये पुराना टेडी बेयर चाहिए? थैंक्स पुअर मॉम। ये क्या है? इसकी जगह ये नया बेयर लो। सच में? तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? वो मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम और तुम, अब तुम्हारा चैलेंज शुरू होगा बेबी। ओ, तो शुरू करते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है? लेकिन हर चीज गोल्ड में अच्छी दिखती है। डरे नहीं, ये खाने लायक है। पर अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। मुझे ये और नहीं चाहिए। ओ, वो हर चीज पर टूट के पड़ती है। ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। किसी को पेपर नैपकिन्स चाहिए? लो। बहुत तेज लगा, मुझे सिर्फ यही क्यों मिला? इसे टोस्ट कर लेते हैं। हे भगवान, तुमने एक ही जगह पर इतना गोल्ड कभी देखा है? ओ, ये बदबू कैसी है? पता नहीं, मेरा टोस्ट, ये इसमें था, मैं तो भूल ही गई थी। इसका स्वाद अभी भी ठीक होगा? पर मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती। मेरे पास लंच का कुछ बचा हुआ मीट है। ये थोड़ा सा है, पर ना होने से तो बेहतर है। लो, बॉन एपिटेट। कितना प्यारा है ना? ओह, बटलर, इसे खाने में बदल दो। हे, ये तैयार है? चलो भी। ये तो सॉलिड गोल्ड है। मैं इसे खाकर अपने दांत नहीं तोड़ूंगी। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। खाना? हाँ, है तो खाना ही। अरे नहीं, वो काफी चुन चुन कर खाती है। चलो अब इसे भी हटा देते हैं। एक आइसक्रीम कोन जिसमें आइसक्रीम नहीं है। तुम बहुत जल्दी आ गए। आपकी टॉपिंग्स मिस, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं ना? पर आइसक्रीम के बिना? रघु, मैं जानती हूँ क्या करना है। चलो तुम इसमें जाओ। और अब मेल्टेड चॉकलेट, बिल्कुल इसे पूरा भर देंगे। अब इस पर एक डोनट रखेंगे। तुमने इतना खूबसूरत कुछ देखा है? मेरे पास ये सब नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल बीआरबी। वो कहाँ जा रही है? हे, ये बर्फ बिल्कुल मुफ्त में है, तुम मानोगी? हमें इसे बस शेप देनी है। कितना प्यारा है ना? जो भी है, जीतेगा तो मेरे वाला ही। वो क्या आज मेरा बर्थडे है? अरे नहीं, उसे वो पसंद नहीं आई। मुझे डोनट्स पसंद है। और यही विनर है। ओ, यूर वेलकम स्वीटी। तुम तैयार हो? फ्रूट, ग्रेप्स में क्या अच्छा है? उसे पूरा मेलन मिला। हाँ, शुक्रिया, कितना मजेदार है। तो मैं अब इसके साथ क्या करूं? समझ गए। स्कूपर,
बढ़िया टोंग्स विस्क लगभग हो ही गया। फिर शानदार, इतना बड़ा केक किसे पसंद नहीं आएगा। ओ हाँ टीना, हाँ तो तुम तैयार हो तो चलो। मिल गया, लाजवाब। लो हे, तुम्हें ये केक नहीं चाहिए, मतलब इसे देखो तो सही। आ रहा है। खैर ये भी कोई बात हुई, मैं बच्चों को हमेशा ऐसे खेलने देती हूँ। तैयार है। मैं इसका क्या करूँ, कि गर्म ही ज्यादा बेहतर है। सब हो गया, अब मुझे थोड़ी केचप चाहिए। खैर बहुत सारी केचप। ये कितना बकवास है। हाँ तैयार है, चलो काम शुरू करें। छोटे हॉट डॉग्स के लिए छोटे छोटे हाथों की जरूरत है। क्यों, शुक्रिया। तो चलो, एकदम ताजा टमेटो केचप से काफी बेहतर है। मुझे चाकू भी चाहिए। चलो भी खुल भी जाओ। लो एकदम ताजी टमेटो सॉस, मस्टर्ड नहीं भूल सकते, खैर गोल्डन मस्टर्ड। इसे थोड़ा सजाया जाए। परफेक्ट, गार्निश तो करना ही होगा, इसे खाने का मन कर रहा है। इसे ले जाओ, हॉट डॉग्स। और ये बन में नहीं है। ओह तुमने मेरे दिल की बात छीन ली, चलो देखते हैं। बुरा नहीं है, उसे पसंद आया, देखो। और अब मैं ये वाला हॉट डॉग खाऊंगी, उसको बहुत अच्छी है। एकदम स्वादिष्ट, ब्रावो। लगता है ये राउंड ब्रिज मॉम जीत गई। अब अगला क्या है, टडा, व्हिप क्रीम। हेलो, थोड़ी मदद चाहिए, तुम इसे खाने लायक बना सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं इसके साथ क्या बनाऊं? मैं घर पर ये हमेशा करती रहती हूँ, चाय तो सस्ती ही मिलती है। पहले थोड़ा दूध और ब्लैक टी। देखो कैरमल कलर आया है, अब इस पर एक अच्छी चीज डाली जाए। ये कितना खूबसूरत है ना, मुझे उसके ऊपर चॉकलेट डालनी चाहिए। कुकीज में पैसे कम लगेंगे, चीनी डाल देती हूँ। इतने कम में और क्या आएगा, इसका स्वाद एकदम मीठा होगा। और थोड़ा सा कलर भी, ये अभी से बेहतर लग रहा है। वाह लाजवाब। और अब ग्रैंड फिनाले की बारी, हम इस पर स्प्रिंकल्स डालेंगे। ये रंग कितने मजेदार है। मेरा कहाँ है, आपका शेक मिस। वाह इतना बुरा भी नहीं है, क्या मैं ये ले लूं? शुक्र है इसमें काफी बचा है। वाव ये काफी नहीं है मिंडी, ये तो तुमसे भी लंबा है। मेरा मास्टरपीस। ओह ये चेरी का वेट ज्यादा है। ये नहीं होना चाहिए था, इसने मेरे बाल भी खराब कर दिए। ये कितना बुरा हुआ। खैर आओ आओ ले आओ, मैं चेरी तो छोड़ ही नहीं सकती, ये काफी बढ़िया लग रहा है। अच्छा है, मुझे इसके लिए स्ट्रॉ चाहिए होगा, देखते हैं। ओह हाँ तो यही विनर है। हाँ उसे पसंद आया, मैं जानती थी। क्या किसी ने मेकओवर कहा, अपनी ताकत दिखाओ। इतना फ्लॉप अभी भी आ रहा है, बस पहुंच ही गए। शुक्र है मैंने गॉगल्स पहने हैं, कुछ दिखाओ। वाह
क्या? इधर तो पूरा कमरा है, लगता है किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए तो हम आए हैं। इधर कितनी मकड़ी के जाले हैं। फिर इतना सामान। स्पाइडर, इल्क। मैंने पकड़ लिया। फिर यहाँ हमारा काम पूरा हुआ, बहुत अच्छे। ओ, मैं बहुत नर्वस हूँ। हाँ, काइली ने कहा कि वो आ रही है, मुझे सब ठीक करना होगा। ताजे पॉपकॉर्न किस लड़की को पसंद नहीं होते। रुको, ये गलत तरीके से रखा हुआ है। हाँ, अब ठीक है। अब मेरी बारी, मुझसे गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए। स्वादिष्ट, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? क्लीन शेवन, ठीक है, बढ़िया। हाँ, और कितना समय लगेगा? फिर आराम से रहो दोस्त, चलो मूवी शुरू कर देते हैं। खैर, ये अच्छा नहीं हुआ, तो चलो। एक सेकंड के लिए तो मैं घबरा गया था। वापस वापस आ जाओ, तुम अभी तो चल रहे थे, चलो भी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चल भी जाओ टीवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं इसकी पीठ सहलाऊं, शायद ये तारे उलझे हुए हैं। इसका सही एंगल आ जाए बस, इस तरह कैसा रहेगा? कुछ नहीं हुआ, ये काम करना चाहिए, चलो भी। हुआ? हूँ, मैं तो गया। बहुत जोर से लगी। रुको, मैं तो भूल ही गया, मेरे पास ये था। अभी भी उम्मीद बाकी है। सबसे पहले साइड पर एक होल करें, अब ढक्कन हटा दें, इसे साइड में रखें, अब इसे स्टायरोफोम में लगा दें, ये सीधा बॉक्स में फिट आ जाएगा। एक और बीच में रखें, अब पीछे की तरफ मूवी चलाकर फोन इसमें रख दें, अब ये आराम से चलेगा। वुहू! इसे ऊपर की तरफ रखना। अरे वाह, फिर अच्छी पिक्चर आ रही है। क्या वो आ गई? आने के लिए शुक्रिया कायली, मेरी फेवरेट मूवी, और पिक्चर भी अच्छी है। एक रोज के लिए एक रोज। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास पॉपकॉर्न है। थैंक्स, बस आराम से बैठो और मजे करो, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ओह, मैं अपने टेक्स्ट को हटाना तो भूल ही गया, कितनी शर्म की बात है। तुम बाथरूम में ये करते हो? हाँ? ये बहुत सॉफ्ट है, ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। वो काफी मुश्किल है, झांकना मत। वो कहाँ है? नहीं, मैंने क्या किया? ओ, मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। पॉट को वापस कैसे जोड़ते हैं? हमें सब जल्दी करना होगा, ये मॉम का मनपसंद प्लांट है, वो इसे लेकर बहुत खुश हुई थी, उन्होंने इसे अपनी बच्ची की तरह पाला है। याद है रात को उसे प्यार से सुलाया करती थी, इससे उन्हें खुशी मिलती है, और हमने इसे मार दिया। एक्वेरियम, मेरे पास एक आइडिया है, ये भी प्लांट्स जैसे ही है ना? चलो शुरू करें। ये सर्जरी काफी मुश्किल है। स्कैल्पल, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे नीचे पत्थर रखेंगे, और अब मिट्टी, इसे इसमें लगाना होगा, और मिट्टी, परफेक्ट, लगाते जाओ। बस आखिरी है, अब इसे अंदर की तरफ दबाओ, और ये प्यारा सा घर ऊपर लगेगा, और थोड़े से प्लांट्स भी। कितना प्यारा है ना, मॉम को ये बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल, हमें इसे टेबल पर रख देना चाहिए, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे दोस्त, आराम से लो। फिर बाल बाल बचे। हाई फाइव मॉम, क्या दिन था, यहाँ सब ठीक लगता है। ये क्या हुआ, अजीब है, जो भी हो। हाँ, जल्दी जाओ, मैंने कहा जल्दी, चलो भी।
तुम्हें अपनी गेम में मजा आ रहा है। तुम्हें इन सब की क्यों जरूरत है? मैं ये नहीं देख सकती। इन्हें अभी के अभी साफ करो। मैंने कहा इन तारों को अभी के अभी लपेटो। मॉम, मुझे ध्यान लगाने दो। हम इन्हें कहीं और नहीं रख सकते। अब बीच में आ रही हैं। वो तो इसमें उलझी जा रही हैं। ओ! ऐसे ही मत बैठे रहो। अब ठीक तो है। इन्हें हटाओ यहाँ से, समझे? ओह, मैं ये साफ नहीं करना चाहता। मजा किरकिरा हो गया। इन्हें सुलझाने में तो बहुत समय लग जाएगा। मेरी गेम पकड़ लिया। फिर बाल बाल बचा। अब मैं खेल ही लेता हूँ। मैं कहाँ था? ये हुई ना बात। लगभग जीत गए। मॉम, आप यहाँ कैसे आ गई? तो अब मैं गया। इन तारों को समेट लो। हाँ हाँ ठीक है। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। इसे रोल करो। तो ये ऐसे करते हैं। पहले सारी तारों को सीधा कर लें। इस पर जिप टाई बांधें। थोड़ी सी जगह छोड़ दें और इस तरह अरेंज करें। ऐसा बहुत बार करें और फालतू का हिस्सा काट दें। देखो ये इस तरह लगेगा। अब पेपर टॉवल रोल्स की बारी। ये ऐसी तारों के लिए काफी है। देखा, अब इन्हें लेबल करें। अब इन सबको बॉक्स में रख लें। तुम यहाँ जाओ। मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूँ। ब्रावो बच्चे, मैं जानती थी तुम कर लोगे। बढ़िया, तो अब मैं गेम खेल सकता हूँ। बहुत सारा काम बाकी है। हाँ, है, रुको, इसकी बैटरी खत्म हो गई। मैं अब और नहीं रुक सकता। पर रुको, मैं इससे ये प्लग कर सकता हूँ। और इसे ढूंढना बहुत आसान था। सब समेट कर रखना काम आता है। बैटरी किसे चाहिए जब मैं सीधा इसे प्लग कर सकता हूँ? वुहू, ये तो कमाल है। आखिरकार मैंने अपने लिए समय निकाल लिया। हे, ये क्या? मेरा टेबल। मेरी लातें कितनी भारी हैं। मैं इसे वापस जोड़ पाऊंगी? कोशिश कर लेते हैं। चलो भी लग भी जाओ। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? अब ये कचरा है। बहुत ज्यादा बुरा हुआ। चलो बहुत हुआ। अब मैं इसे कचरे के डब्बे में फेंकाती हूँ। इसके बाद मैं कभी सस्ता फर्नीचर नहीं खरीदूंगी। कितना वेस्ट हुआ। अब क्या? यहाँ टायर किसने छोड़ दिया? तो मैं ही रख लेती हूँ। यहाँ तो कोई है भी नहीं। हे, ये तुम्हारा नहीं है लेडी। ये कहाँ ले जा रही है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वापस आओ। आखिरकार सही सलामत घर आ गए। अब मैं इसे एक टेबल में बदल दूंगी। तैयार हो ग्लू? इस तरफ हमें बहुत सारी ग्लू लगानी है। इस तरह ये बोल हिलेगा नहीं। और अब ये रस्सी। ग्लू को सूखने मत देना। इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। बढ़िया, इस पूरे को ही रोप से ढक देंगे। अब इसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे और थोड़े से पत्थर भी। अब इसके ऊपर एक ग्लास रख दें। वाला, ये बन गया एक टेबल दोस्तों। हाँ, ये मैंने खुद बनाया है। काश मैं भी ऐसा कुछ बना पाती। सच में मत करना, मैं लेट हो गया। बढ़िया टेबल है। ये किससे बना है? खैर, मैंने सड़क पर इस तार को पड़े हुए देखा तो मैं इसे घर तक ले आई। किसी ने मुझे रोका भी नहीं। एक मिनट रुको, तो वो चोर तुम ही हो? मैं अब आगे की कहानी नहीं बताना चाहती। उप्स। हाँ? ओ नहीं, मैंने उस पर पैर रख दिया। ओ, मैंने उसे उठा लिया। इसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। हाँ, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। चैलेंज टाइम। ये हमारा अभी तक का सबसे अच्छा काम होगा। नहाना किसे पसंद नहीं है?
खासकर जब कुछ ऐसा साथ हो। ये उसमें फिट आ जाएगा। डाल देते हैं। वो ये इस्तेमाल कर सकती है। ये लो लिटिल लेडी। और ये ब्रश भी चाहिए। स्मूथ स्किन चाहिए तो एक्सफोलिएट करना जरूरी है। अच्छा लग रहा है ना? ओह हाँ, मजा आ गया। अब बिल्कुल फ्रेश लग रही हो। हमने अच्छा काम किया। ये कौन है? हे, ये मेरी तरफ से बार्बी को दे दो। इस पर क्या लिखा है? ये बार्बी को प्रॉम पर जाने के लिए पूछ रहा है। खैर, हाँ, कूल। ओह, ये कितने रोमांटिक है। हमारे पास अब बहुत सारा काम है। इसके तो बहुत ज्यादा स्टेंज है। अब एक ही चीज हो सकती है। चलो हेयर कट करें। यहाँ देखते हैं। 1 इंच यहाँ से। ठीक है, चलो काटे। कोई बात नहीं बार्बी, जरा भी दर्द नहीं होगा। हम बहुत सारे काट रहे हैं। उसने बहुत सारे कहा? तुम्हें पक्का ये आता है ना? ओ बिल्कुल, वो तो मैं देख लूंगी। हाँ, हे, मुझ पर भरोसा रखो माइल्स। ओलिविया, नहीं। अब देखना मेरा कमाल। नहीं, मैं नहीं देख सकता। आजकल यही चलता है। अब देखना, घबराओ मत, उसे अभी से बेहतर लगने लगा है। बस थोड़े से ही बचे हैं। हो गए। मेरे बाल कहाँ हैं? ये क्या हो गया? उसके सुंदर बाल खराब हो गए। 1 मिनट रुको, ये इसमें कैसे आया? हे, ये मुझे दो। तुम्हें बाल चाहिए? आराम से बैठो, थोड़ा समय लगेगा। इस सर में बहुत छेद है, मैं संभाल लूंगा, घबराओ मत। ये बहुत सुंदर दिखेंगे, जरा इन लेयर्स को तो देखो। वाह, ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम है। तुम्हें पसंद आया बार्बी? लगता है उसे आया। हे, क्या कर रही हो? ओ, लव स्क्रैचेस मेरे लिए। ब्लू बाल? हाँ, ठीक है। अरे यार, हाँ, ओलिविया। हाय। वो, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये तो ब्लू हो गए। मैं इससे इंस्पायर हो गई। मुझे चलेगा। तुम तैयार हो? हाँ, ये काफी है। और ये इतना काफी होगा। और इसकी कमर? जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तो शुरू करते हैं। चलो इसे काटे। ओह, कुछ तो बन रहा है। ये चलेंगे। ये कलर कैसा है? तुम्हें पसंद आया? ओह, नहीं। शायद नहीं। ये? हाँ? चलो चलो, गहरी सांस लो। क्या ये फैशन है? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या? हमें इससे कुछ बेहतर करना होगा। जरा रुको, मैं देखती हूँ। ये लो, मैं समझ गई। इस तरह फूंक मारो। हाँ हाँ, हम कर रहे हैं। इससे तुम्हें थोड़ी शांति मिलेगी। मेरा फर्ज था। तुम्हें कहा था? यहाँ क्या हो रहा है? जरा मुझे देखने दो, मैं शायद ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। जरा रुको, पहले एक बलून को आधे में फोल्ड करेंगे। अब बस इसके टिप को काट देंगे। ऐसा ही बेस से भी काटेंगे। बढ़िया, अब बलून को खोलेंगे और इसे तुम्हारी लेग्स पर पहना देंगे। क्या फिट आया है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। पतली कमर दिखाना किसे पसंद नहीं। और ये वेस्ट पहनाकर ये और खास लगेगी। अब ये पूरा हो गया। ये फोटोशूट के लिए तैयार है। क्या मटेरियल है। हे, अच्छी शुरुआत है, पर अभी और भी काम करना बाकी है। खाली नेल्स अच्छे नहीं लगते। वो इतने बड़े? घबराओ मत, मैं काट दूंगी। इतने बड़े बड़े वो संभाल नहीं पाएगी, तो इसीलिए हम इन्हें काट देंगे। परफेक्ट। और ये? बढ़िया है, ये बिल्कुल शार्प है। सीधे ही रखना। कितनी बुरी आवाज है। का
काम हो गया। लो ये तैयार है। टीम वर्क से सारा काम हो जाता है। हाई फाइव, हाई फाइव। ये लो, हमारा फर्ज था। क्या वो उससे सच में प्यार करती है? पता नहीं। रुको, वो सर हिला रही है। हाँ, देखो बारबी है, उसने फोन चुरा लिया। अब ये मेरा है। वो कितनी रूड है। जरा रुको, मैं समझ गई। मैं जानती हूँ क्या करना है। मैं बारबी के लिए एक फोन बनाती हूँ। क्यूट है ना? क्यों ना इसमें स्पार्कल लगाई जाए। इस तरह इसे हम बॉर्डर बनाएंगे, पूरा लगा देंगे। ये चिपकने वाला है तो काम आ गया और फिट भी आ गया। चलो इसमें सामान रखें, थोड़े पैसे। हनी, इस प्लास्टिक से ही टिका रहेगा और ग्लिटर लगाते ही सब अच्छा दिखने लगता है। मेरे पास बहुत सारी पड़ी है। परफेक्ट, मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। हाँ, कितनी प्यारी चीज है, ये तुमने बनाई? हाँ, और ये अब तुम्हारा है। ये काम किया तो हम कहाँ थे? इसमें वाईफाई भी है, देखना चाहोगी? हम तैयार हैं। बस सही एंगल से देखना। बहुत मजेदार वीडियोस है, मुझे पसंद आए। अगर मेरे कैलकुलेशंस ठीक है तो hey, तुम्हें स्मेल आई? ये तुमसे आ रही है? बिल्कुल नहीं, दोबारा आई। अरे नहीं, अपनी बाजू नीचे रखो गर्ल, तुम्हारी बगल से बदबू आ रही है। मैं ये और नहीं सह सकता। मैं देखता हूँ, तुम ऐसे ही रहना ठीक है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत ड्रामा करते हो, घबराओ मत, मैं संभाल लूंगी। सलोन में तुम्हारा स्वागत है बारबी। एक बार वैक्स शुरू करोगी ना तो ऐसे नहीं रह पाओगी। निकल गई। देखा, एव, ये तो बहुत थिक है। यक। फिर पता नहीं क्या हुआ है पर अब स्मेल कम है और ये कितनी स्मूथ हो गई। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। मेरा भी कर दो, मुझे भी स्मूथ बिट्स चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बारबी? हाँ, मत करना, बिल्कुल नहीं। तुमने सुन लिया ना? क्या ये इतने भी बुरे नहीं है, है ना? मुझे डिओड्रेंट लगाना चाहिए। मुझे इतनी भूख लगी है, मैं अभी कुछ भी खा सकता हूँ। मुझे भी, भूख से मर रही हूँ। ये क्या है? मुझे भी भूख लगी है, खाना दो। ओ, मुझे बुरा लग रहा है। अरे हाँ, मेरे पास यहाँ केक है, एक बहुत ही छोटा केक। ये लो। हे भगवान, अब हम इसे क्या दें? पता नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा पर्स। ओ, उसे अपना पर्स चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें ये चाहिए ना? ओ, और ये भी। समझ गए। पर पहले हम हॉट ग्लू लेंगे, अब इससे बीड्स लगाएंगे और थोड़ी देर में ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब एक जगह बाकी है। ओ हाँ, ये पूरा हो गया, हमने कमाल कर दिया। इसमें हम एक और चीज लगा सकते हैं, जैसे ये। बूम, ये बहुत आसान था। कितना प्यारा पर्स है, और अब ये तुम्हारा है। हाँ, ये मेरा है, कमाल हो गया। कोई बात नहीं, अब क्या हुआ? मुझे सुसू आया है। सच में? रुक जाओ मायूस, वो ये ले सकते हैं। देखो, ये छोटा सा टॉयलेट है। देखा, अब बैठो। आ रहा है। कितनी बुरी बदबू है, चलो निकले यहाँ से। शांति मिली। हमने काफी कुछ कर लिया। सच में माइल्स, इस नई लुक ने हम दोनों को इमोशनल कर दिया। पूरा मेकओवर ही हो गया है ना? हाँ, लेट हो रहा है,
देखो ये केन है और वो घोड़े पर आया है। हाय, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। चलो जाओ, तुम तैयार हो? कस के पकड़ कर बैठना। वाह, ये कौन सी जगह है? हमने अच्छा काम किया, मुझे हैप्पी एंडिंग्स बहुत पसंद है। ये डॉल बहुत बोरिंग है, हटाओ इसे। मेरे पास इससे बेहतर कुछ है, जरा इसे देखो, वो कितनी खूबसूरत है। ला ला ला, कचरा फेंक देते हैं। हाँ, ये क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई कैसे फेंक सकता है? कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारी नई मॉमी हूँ। ये क्या? ठीक है, ये कुछ अलग है। मैं कहाँ हूँ? ये क्या हो रहा है? वाह, इस जगह को तो देखो, क्या ये मेरी डॉल है? नहीं, ये मेरी है। कोई बात नहीं, मेरे पास अब बेहतर डॉल है। जरा खुद को देखो, कितनी गंदी हो गई हो, तुम्हें साफ करना होगा। ऐसे ही रहो। हाँ, ओह, ये लीक हो रहा है, इससे नहा लेती हूँ। अच्छा लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। बस कुछ ड्रॉप्स यहाँ, इतनी काफी है, इससे तुम साफ हो जाओगी और बिल्कुल नई जैसी दिखोगी। कभी कभी हम सबको पैम्परिंग की जरूरत होती है। आराम से बैठ जाओ, इतना छोटा सा टूथब्रश, आराम से। अब अपना मुंह खोलो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें देखने के लिए सनग्लासेस लगाने पड़ेंगे, तुम्हारी दांत चमक रहे हैं। अब मेरी बारी। ओह, मजा आ गया, ये होती है जिंदगी। तुम्हें मजा आ रहा है? तो अब हम क्या करें डॉली? तुम्हारे बालों को ठीक करना होगा, थोड़ी बोरिंग है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ क्या करना है, मैं बाल स्टाइल करने में एक्सपर्ट हूँ। ये तुम्हारी गलती थी, चलो दोबारा ट्राई करें। ऐसा लग रहा है तुम्हें झाड़ियों से खींच कर लाए हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा डार्लिंग। मैं समझ गई। वाओ, मेरी डॉल के लिए बुलाया है। ठीक है, तो फिर स्पेशलिस्ट टूल्स चाहिए होंगे, वो कहाँ है? आहा, मुझे यही तो चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, हिलना मत। पहले एक बोल चाहिए, इसमें पानी डालेंगे। अब थोड़ी फूड कलरिंग, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब अच्छा लग रहा है, मेरा क्लाइंट कहाँ है? डॉल के बालों को पानी में डिप करेंगे। पानी ठंडा तो नहीं है? ये मैं क्या कह रही हूँ, तुम तो एक डॉल हो। बालों को अच्छे से पानी सोखने देंगे। अब बालों को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि पानी ना रह जाए। अब हमें तुम्हारे बालों को सुखाना होगा। वाह, ये कलर तुम पर जच रहा है, बहुत सुंदर है। तुम्हारा हो गया? वो तुम बहुत अलग लग रही हो। हाँ, तुम्हें मुझे पे करना होगा। ओ अच्छा, तुम कैंडी लेती हो? तभी मैं बच्चों के साथ काम नहीं करती। मजा आ गया, बहुत अलग लग रहा है। वो उसके बालों को तो देखो, तुम्हें भी नए लुक चाहिए। आखिरी बार तुमने कब शैम्पू किया था? मैं क्या करूं? एक मिनट रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो ट्राई करते हैं। पहले डॉल को टेबल पर रखेंगे, अब इसे एक हेयर कट देंगे। वाह, तुम छोटे बालों में अच्छी लग रही हो। तुम गंजे अच्छी नहीं लग रही। इस ड्रिंक को डॉल के सर में लगाएंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हैं, इससे इसका लुक बहुत जबरदस्त आएगा। अब फालतू की स्ट्रिंग काट देते हैं और वापस सर लगा देते हैं। वाह, काश मेरे भी बाल ऐसे होते। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे जलन हो रही है और एवा को भी। ये चॉकलेट स्प्रेड स्वादिष्ट है, तुम ट्राई करो। ओ नहीं, मैंने तुम पर गिरा दी, मुझे माफ कर दो। अब चेंज करना होगा। शुक्र है मेरे पास और आउटफिट्स पड़ी हैं। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, ये प्यारी है ना? चलो ट्राई करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम हर आउटफिट में अच्छी दिखती हो। बहुत शीक लग रही हो, तुम्हें कैटवॉक पे होना चाहिए। वो मैं क्या ही कहूँ, और हाथ में क्या, बढ़िया है, कुछ कैजुअल हो जाए। ये देखने में कितना बढ़िया है, खूबसूरत भी और कैजुअल भी। दोस्तों के साथ बाहर जाना है तो ये आउटफिट सबसे बढ़िया रहेगी, और पार्टी में आपको ही सब देखेंगे। बहुत अच्छी लग रही हो,
वाह, उसके कपड़े तो देखो, ये मेरे वार्डरोब से भी बेहतर है। हमें तुम्हें ड्रेसेस दिलानी होगी। चलो शॉपिंग करें। अरे इसे कपड़े पहनाओ। उप्स, माफ करना, समझ नहीं आ रहा कहाँ देखूं। शांत रहो, उसने पहन लिए है। हे एवा, पस्ट, मैं वो ले सकती हूँ? वो सॉक तुम्हारे पीछे, मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाई है। प्लीज दे दो, मुझे वो चाहिए। ठीक है, ये लो। बहुत गंदा है। शुक्रिया, ये काम आ जाएगा। पहले हमें सॉक का टो काटना होगा। बिल्कुल इस तरह। अब मैं दोनों तरफ छोटे ट्रायंगल्स काटूंगी। अच्छा लग रहा है, ट्राई करना चाहोगी? वाह, बहुत अच्छी लग रही है। काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। थैंक्स एवा। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जो भी हो। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? जरा देखने दो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? हम आर्ट एक्सपर्ट्स हैं हनी, चिंता मत करो। हमने शो के बारे में सुना। क्या ओरिजिनलिटी है। ब्रश स्ट्रोक्स बहुत ही अनोखे हैं। मैंने उससे अच्छे अच्छे भी देखे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा लगा। और तुम्हें? मैं श्योर नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे पसंद आया। ये हुई ना बात, मैं चाहती हूँ ये परफेक्ट हो। एक आइडिया है, एक पानी का बोल चाहिए और फिर उसमें नेल पॉलिश डालेंगे, अलग अलग कलर्स डालेंगे, ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए। इतना काफी है। और अब इसमें शू डालेंगे, इसे पानी में इस तरह घुमाएंगे ताकि सारे कलर्स आ जाएं। वाह, जरा इसे देखो, मेरे डॉल के अब कस्टम शूज हैं। वो कमाल कर दिया, मिलान के फैशन हाउसेस बहुत जलेंगे। हम ये ले चलते हैं। हाँ, उसने एक नेल वार्निश में शू को डिप किया। अगर आर्ट इतना इजी होता है तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे शू ढूंढना होगा। चलो भी, कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन देखती हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सारे ही बहुत महंगे हैं। अब मैं क्या करूँ? समझ गए, मेरे पास इमरजेंसी के लिए पैसे पड़े हुए हैं। लगता है इसे चूहे ने ढूंढ लिया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मैं क्या करूँ? शायद इसके नीचे थोड़े पैसे हो। ओह, एक ग्लू गन और पेंस, ये काम आएंगे। चलो थोड़े क्रिएटिव हो जाएं। पहले अपने डॉल के पैर पर बलून पहनाएंगे, इससे गंदे नहीं होंगे और सॉक्स जैसे लग रहे हैं। अब बलून पर ग्लू लगाएंगे, ये मेरा मोल्ड बनेगा। अब एक फोम का पीस चाहिए, फुट की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसे काट लेंगे। अब मैं इसमें कलर कर सकती हूँ, मैं एक रेनबो इफेक्ट बनाऊंगी अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करते हुए। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। फोम की एक साइड पर ग्लू लगाएंगे, अब इस पर मोल्ड लगा देंगे। वाह, होममेड बूट्स। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, ग्लू को कलर करने के लिए करेक्शन फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे। पेन से छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स बनाएंगे, ये बहुत कूल है। और ये मैंने खुद किया है, उम्मीद है मेरी डॉल को पसंद आए। चलो ये ट्राई करें, इसकी फिट बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, शानदार, तुम बहुत फैशनेबल लग रही हो, तुम्हारा टैलेंट नेचुरल है। हाँ, वाह, जरा उसे देखो, मैं सपना तो नहीं देख रही, हमने जीनियस ढूंढ लिया है। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे वो बूट्स देखने होंगे। ओह हे, ब्रावो, तुम्हारा काम लाजवाब है। शुक्रिया, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे लिए है। रुको, तुम्हें बूट्स खरीदने हैं? ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरी डॉल के हैं। पर हम तुम्हें फेमस कर सकते हैं। मैं बस चाहती हूँ मेरी डॉल खुश रहे। चलो यहाँ से चले, हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। रुको, तुम्हें खुद का फोन चाहिए होगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई। अब हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत रूड था, तुम्हें खुश होना चाहिए। चलो दोबारा ट्राई करें, जरा इस ब्रश को पकड़ो। मुझे इसे जोड़ना होगा। तुम्हारा शुक्रिया। ये मुश्किल है, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है। मेरे डॉल के हाथ तो बहुत छोटे हैं। अगर मैं इसे, ओह, मैं एक बैग डिजाइन कर सकती हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा। बेकार लग रहा है, बहुत ही बोरिंग और प्लेन है। दोबारा शुरू करना होगा। फोकस करो एवा, हम ये कर सकते हैं, ये काफी बेहतर लग रहा है। अब यहाँ चेन स्क्रैप चाहिए।
वाह लाजवाब, मुझे एक डिजाइनर होना चाहिए था। मैं एक जीनियस हूँ। अब गोल्ड फोम चाहिए, इसके क्रॉस शेप काटेंगे, अब इसके एडिसिव पैकिंग हटा देंगे, इस तरह एजेस को फोल्ड करेंगे और इस तरह प्रेस कर देंगे। अब एक लंबा सा सेक्शन इस पर फोल्ड करेंगे और ये बन गया बैग। अब मुझे बस चेन चाहिए। वाह मैं ये जरूर पहनूंगी। ये लो अब तुम्हें यही चाहिए, इस पे तुम अपना सारा सामान रख सकती हो, बहुत सारी जगह है। और तुम्हारा फोन भी इसमें आ जाएगा और हेयर ब्रशेस भी। देखो सब आ गया। वाह कितना अच्छा लग रहा है, मुझे इसके एक पिक्चर चाहिए, मैं जरूर पोस्ट करूंगी। स्माइल। हम लाइव हैं। आपके पास आपके फैंस के लिए कोई मैसेज है? ओह हाय, मेरी अच्छी साइड से लेना। हाँ तुम हटो लेडी, मैं डॉल से बात कर रहा हूँ, माफ करना। हे तुम यहाँ से हटोगी? ये बहुत गलत बात है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यही मौका है, मैं ये ले लेती हूँ, यही तो चाहिए। जल्दी करना होगा, मैं नहीं चाहती कि एवा देखे। पहले ये पैच काटेंगे, इसकी कलर्स मुझे बहुत पसंद है। अब एक जिपर चाहिए, दोनों साइड्स पर ग्लू लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ग्लिटरी फोम लगाएंगे। अब इसे शेप देंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और एक कार्ड के पीस पर चिपका देंगे। अच्छे से चिपका दें, कोनों पर ग्लू लगाएंगे। शुक्र है मेरा हार्ट टिक कर चलता है, इतना काफी है। अब इस पर और फोम लगाएंगे, कोई गैप्स नहीं छोड़ने। दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। अब ऐसे ही शेप का एक पैच काटेंगे, अब इसे फोम पर लगा देंगे। अब दो जगह ऐसे ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। इस पर छोटा सा फैब्रिक का पीस लगा देंगे और जहाँ पैच नहीं है उस साइड भी। ये बन गया मेरी डॉल का बैकपैक। ये देखो इस पे तुम अपना सामान रख सकती हो। वाह काश मैं भी तुम्हारी तरह दिख पाती। हम थोड़ा जल्दी कर लें। ये आनी बैग कहाँ से लाई है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओह शुक्रिया, प्यारा है ना, मुझे बहुत पसंद आया। रुको क्या ये मेरी ड्रेस है? क्या नहीं, यहाँ कोई ड्रेस नहीं है, मुझे बस। हम बाद में बात करेंगे। हाँ हम पहुँच ही गए हमारे नए घर में। तुम दरवाजा खोल सकती हो पर पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, मैं चाहता हूँ ये सरप्राइज हो। हाँ अच्छा आ गया है तो चलो, याद से झांकना मत। हाँ सच में मत ही देखो। पंगे मत लो एलेक्स। ये कैसा मजाक है, ब्रोशर में तो ये ऐसा नहीं दिखता था। हाँ इतना गंद भी नहीं था, दीवारों में छेद भी नहीं थे। ये क्या बकवास है, हम यहाँ नहीं रह सकते, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं घबराओ मत, मुझे ऐसा चैलेंज बहुत पसंद है, हमें बस इसे साफ करना है। पहले इस बॉक्स को उठाएंगे। बहुत कुछ करना पड़ेगा पर शुरू करते हैं। कुछ भी छूने से डर लग रहा है। याक, इन स्पाइडर वेब्स को तो देखो कितना गंदा है। अरे चलो भी, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है एलेक्स, मुझसे गलती हो गई। हाँ भागो यहाँ से, ये काम नहीं कर रहा। वो ये कहाँ से आ गया, ऐसा सामान कौन रखता है? ओह हाँ मजा आ गया, मेरे गेंद तो देखो। फिर बहुत मेहनत का काम है पर साफ तो हमें ही करना पड़ेगा। बस हो ही गया, मैं समझ गई, अब ये बेहतर लग रहा है। ये वॉलपेपर भी बहुत अच्छा है, मैंने ये पढ़ा है। ठीक है हो गया। ठंड लग रही है, हमें इस होल का कुछ करना होगा। मुझे लगा ये खिड़की है, बस काफी छोटी है। ये ठीक नहीं है, हमें इसका कुछ करना होगा। पर क्या? रुको लगता है मैं समझ गया, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये देखो हम इससे अपनी दीवारों को सजा सकते हैं, सुंदर है ना? चुनना मुश्किल है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे इसे दीवार पर इमेजिन करना होगा। सारे ही अच्छे हैं, जो मर्जी चुन लो। ये वाला चलेगा। अरे वाह बहुत तेज हवा है, इससे ही रुक जाएगा। ये काफी बेहतर है, ये लो चलो और चिपकाएं।
ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये न्यूज़पेपर से काफी बेहतर है। कम से कम ये कलरफुल है और देखने में भी कुछ दिलचस्प है। अब घर जैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा अलग है पर प्यारा है। तुम क्या सोचते हो एलेक्स? बहुत बढ़िया, पर हमें कुछ और भी चाहिए होगा। ओह, मुझे पसंद आया। हम इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। और ये सब किसे पसंद नहीं होता। वाह, एकदम जादुई लग रहा है। हम रोज स्टार्स देख सकते हैं। इससे बेहतर और क्या होगा। बस ये आखिरी है। वाह, दो ताली। उप्स, लगता है हमें और टेप चाहिए। तुमने कुछ कहा? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, ये हो क्या रहा है? बंद ही रखना। इतना समय कहाँ लग रहा है? क्या कर रहे हो एलेक्स? थोड़ी परेशानी हो गई। जितना सोचा था ये तो उससे भी मुश्किल है। क्या? मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया। ये क्या गड़बड़ है? ये रहा एक कोना। चलो इसे सुलझाएं। वो मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो? नहीं, लगता है मुझे उल्टी आ रही है। रुको, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा था हम ये इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, सोच तो अच्छी है। चलो इन्हें दीवार पर लगाएं। बस थोड़ा सा और। पहुँच ही गए। मैं पहुँच नहीं पा रही। अब मेरी बारी है। लाओ दो। मैं इसे यहाँ टांग देता हूँ। उम्मीद तो है लग जाए, पर स्ट्रेच करना होगा। नहीं हो रहा। क्या बकवास है, माफ कर दो लूना। ये तो परेशानी की बात है। रुको, मैं समझ गया। मुझे गिरा मत देना। बस पहुँच ही गई। बहुत बढ़िया, जल्दी करो। हे, सीधे रहो ना, ये आसान नहीं है। लगा दो। हो गया? हाँ बिल्कुल। वाओ, हम तो गए। आउच, दर्द हुआ। एलेक्स देखो। वाह, खूबसूरत है। हाँ सच में, इससे अच्छा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना रोमांटिक है। हाँ मैं जानती हूँ। देखा, कभी कभी मैं अच्छे आइडियाज लेकर आता हूँ। मैं इसे पूरी रात देख सकता हूँ। वो इतना ब्राइट। चलो वापस काम पर लग जाए। लूना, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। किस बारे में बात कर रहे हो? ओह, ये गंदा है। ये नहीं चलेगा। मैं समझ गया, ये काम आएगा। तुम्हें ये मिरर कहाँ से मिला? मैं इसे साफ कर देती हूँ। जरा रुक जाओ। ये बेहतर है। अब मैं खुद को देख सकती हूँ। और ये डर्ट हटा देती हूँ। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा लगी है। हाँ हाँ, हो गया। अच्छे लग रही हो। मैं मिरर को यहाँ रख देता हूँ। ध्यान से, बस ये टूट ना जाए। ये जगह सही है ना? बुरा नहीं है, मतलब बाल ठीक करने के लिए तो चाहिए ही। एलेक्स, मिरर पकड़ लिया। बाल बाल बचे। हाँ, अब ये ठीक है। एकदम आराम से हाथ निकाल लेता हूँ। हे एलेक्स, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उप्स, इससे मिरर टिका रहेगा। हाँ, अब रख दो। इससे काम बन गया। तुम अब यहीं रहो। कहाँ जा रही हो? मुझे गार्डन से कुछ चाहिए। हम इन वाइंस को मिरर पर लगा सकते हैं। जैसा तुम कहो। भरोसा रखो, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये देखो, बढ़िया लग रहा है। हमें ग्रीनरी की भी जरूरत है। मदर नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए। कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया, पर मेरे पास एक और आइडिया है। और वो क्या? हमें और लाइट्स चाहिए। लाइट्स जितनी देखो कम है। जरा इन्हें देखो, ये कितनी कोजी है। मैं इन्हें मिरर पर भी लगा दूंगा। हो गया, कितना बढ़िया है ना? एक और काम पूरा हुआ। रुको, अब तुम क्या कर रहे हो? मुझे इसे हटाना होगा। एलेक्स, बहुत आवाज है। मुझे और एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, अब आगे नहीं जाएगी। एलेक्स, अरे यार, ये देखो। इसमें क्या बुराई है? अब मुझे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। देखो इसमें कितनी मिट्टी है। और देखो कितना गंदा है।
मैं अपना सूटकेस लेकर आती हूँ। तुम जा रही हो? बिल्कुल नहीं, मुझे बस इसमें से कुछ चाहिए। अब ये शीट क्या करेगी? हम इसे कवर कर देंगे। अब कोई नहीं कह सकता कि इसके ऊपर कुछ लगा है। वैसे तो ये चीटिंग है, पर कोई बात नहीं। एलेक्स, तुम ये इनके साथ क्या कर रहे हो? सोचने दो। एक मफिन ट्रे और एक ग्लास। मैं समझ गई। पहले ट्रे में ग्लासेस रखेंगे, ये इन्हें रखने के लिए सही जगह है। अब इन्हें फिल कर देते हैं। मैं तुमसे आगे हूँ। ये परफेक्ट है, इसमें हमारे सारे पेन्स और स्टेशनरी का सामान आ जाएगा। और ये फ्लेमिंगो लैंप यहाँ रखते हैं, और ये स्टार लैंप यहाँ। हमें कडली टॉयज भी चाहिए। तुम कितने प्यारे हो। मुझे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है। मैं इसे हग करना चाहता हूँ। और हमें पिलोस चाहिए। अरे हाँ, इन्हें यहाँ रख दो। अब हमारे पास बैठने की जगह है। क्या दिन था, आराम कर अच्छा लगता है। हम अपने बैग्स कहाँ रखें? मैं समझ गया, जरा रुको, मुझे एक कॉल करना है। कितना बोरिंग दिन है। ओह, कोई मुझे कॉल कर रहा है। हेलो, हे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एलेक्स के लिए स्पेशल डिलीवरी। वाह, इतनी जल्दी? हमें यही तो चाहिए। ये काम कर जाएगा। इसे दीवार पर लगाएंगे और हम इनके ऊपर बैग्स टांग सकते हैं। ये परफेक्ट है। थैंक्स एलेक्स। ये रूम कितना बेहतर लग रहा है, विश्वास नहीं होता। हमने बहुत अच्छा किया, इतनी मेहनत रंग लाई। कितना अलग लग रहा है। हमारा नया घर। क्या जगह है। चलो मुझे फिस्ट बम्प दो। तो अब क्या करें? ओह, हमें दोस्तों को बुला लेना चाहिए। पार्टी करनी है, मजा आएगा। बस एक सेकेंड। हे, तुम्हें हमारे यहाँ आना चाहिए। ओह सोडा, बबल दीप पर टिकल करते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। ये वॉलपेपर बहुत प्यारे हैं। हे क्रिस, बस एक मिनट, मैं खुद को देखने में बहुत बिजी हूँ। ओह, इसके पीछे कौन है? ये नहीं करना, वॉलपेपर से दूर रहो। तो चलो पार्टी करें। बिल्कुल। मेरी डॉल बहुत सुंदर है, जरा इसे देखो। कैसी हो नेबर? वाओ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हो। हे, क्या तुमने देखा, वहाँ एक हॉटी है। लगता है तुम्हें चाहने वाला मिल गया। चल जाकर उसे हाय कहो, शर्माओ मत। ओह, उस लड़के को देखो, तो इंतजार किसका है। चलो जाओ वहाँ। हे, हमने उसे पहले देखा। ना, हटो। कोशिश कर देख लो। हे, रुको, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। वाओ, हम कहाँ हैं? ओ, ये तुम हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हे हैंडसम, ये गोल गोल घूमेगा और क्या पता कहाँ रुक जाएगा। ओह, ये बेर पर रुका, कितना प्यारा है। मेरे लिए कडली बेर बनाओ। कोई बात नहीं, देखो कितने पैसे हैं। ओह वाह, बस यही देखते रहो। अब ये कहाँ जा रहा है? ये एक मिस्ट्री है। ये मेरे है, मेरे है। जल्दी करना होगा। हिलना बंद करो, बस यहाँ कट लगाएंगे। एक बड़ा सा कट और टेडी बेयर बन गया। इसे पेपर की शीट पर लगाएंगे, कोई क्रीसेस नहीं चाहिए। जरा ये देखो, बढ़िया है ना? मैं अमीर हूँ। ये जाना पहचाना लगता है, मैंने इसे और अच्छा बनाया। ओह, मैं खरीद लूंगी, पर पहले मुझे एक बेर चाहिए। इतने सारे पैसे, ये बेर ले लो, मुझे कैश दे दो। मैंने इसके लिए कुछ बड़ा सोचा है। मुझे थोड़ा पेंट चाहिए। इसे पेपर पर डालेंगे, ये बस अच्छे से कवर हो जाए। बिल्कुल नीचे तक कर लेंगे। ये मजेदार है, बस हो ही गया, इतना काफी है। तुम अपनी सांस तो रोक सकते हो ना टेडी। बेर को पेंट में रब करेंगे। जी हाँ, थोड़ा गंद मच गया, लगता है इतना काफी है। अब इसे उठा लेंगे। एक और शीट चाहिए, इस पर बेर को प्रेस करेंगे, थोड़ा इस तरह हिलाएंगे। इसकी एक छोटी सी बो बनाएंगे, ये क्यूट है ना? तो तुम बस यही कर सकती हो। ये मुझे निराश कर गया, और तुमने मेरा बेर खराब कर दिया। ये गांव की डॉल जीत गई।
मैं जानती थी कुर्ची को। चलो व्हील को घुमाएं। ये एक फोन है। हे, मुझे कॉल करना। ओह, ये आसान होगा। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो ये ढूंढ रही थी। इसे यहाँ रख देते हैं। अब जल्दी से एक पिक्चर लेंगे। ये परफेक्ट है। चलो इसे प्रिंट करें। टेक्नोलॉजी कमाल की चीज है। ओह, इतनी जल्दी? मुझे यही तो चाहिए। हे, जरा देखो। वो बहुत कूल है। और इससे मुझे एक आइडिया आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक फोन पेंट करना है। पैसे लगेंगे। मैं थोड़ी गरीब हूँ। जरा रुको। सोचने दो। ओह, मैं यही तो ढूंढ रही थी। एकदम ताजे अंडे। आज मेरा लकी डे है। बस फार्मर को मत बताना। हे, मिस्टर आर्टिस्ट, एकदम ताजे अंडे कैसे रहेंगे? देखता हूँ। तो तुम क्या कहते हो? पता नहीं, मैं वीगन हूँ, पर ये डील पक्की हुई। ओह, क्या ब्रश स्ट्रोक्स है। वाह, तुम कितने टैलेंटेड हो। मेरा काम पूरा हुआ। ये लो। वाह, अब मुझे बेकन खाने को मिलेगा। मैं वापस आ गई। मैंने ये खुद बनाई है। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आए। इसे इग्नोर करो। वाह, मुकाबला बराबर का है। अब मैं विजेता घोषित करता हूँ। वो ये लड़का है। असली विजेता यही है। क्या? हाँ, एक पॉइंट। मैं गेम में वापस आ गया बेबी। अब अगला क्या है जानने का एक ही तरीका है। ये प्यारा सा डॉग है। चलो अब बनाओ। वुँ, वुँ, वुँ। ये देखना भी मुश्किल है। मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले मैं डॉग वर्ड लिखूंगी। अब इसकी आंखें बनाएंगे और दो बड़े बड़े कान। ये होगी इसकी नाक। ये पक्का अच्छा लगेगा। और अब इसकी बॉडी बहुत बढ़िया रहेगा। खैर, हाँ, इसकी पूंछ मैं कैसे भूल सकती हूँ। वाह, कमाल है। जाओ हड्डी के पीछे भागो। मुझे यहाँ ध्यान लगाने दो। ये कलर परफेक्ट है। अब इसकी जीभ रेड कलर की करेंगे और हो गया प्यारा सा पप। टडा! हाँ, मैं जानती हूँ, ये गैलरी में होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ अच्छा होगा। हमें इसका मुकाबला करना होगा। हाँ, तुमने क्या कहा? ओह, तुम इसे पकड़ना चाहते हो? तो जाओ जाओ पकड़ो। तुम ये क्या कर रही हो? ये काम किया। विश्वास नहीं होता। ये चिकन मुझे कभी निराश नहीं करता। यहाँ हो क्या रहा है? शायद मैं सपना देख रही हूँ। चलो काम पर लग जाएं। इसके आसपास बनाएंगे। बस ये हिले ना। लो, ये पूरा हो गया। ये तो बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है। मैंने अच्छी साइड कैप्चर की है। ये क्या? ये क्या हो रहा है? नहीं, छोड़ दो। अपनी ड्राइंग खुद बनाओ। ध्यान से। मुझे वो ड्राइंग दो। क्या? ये तुमने क्या किया? ये खराब हो गई। मुझे लगा था डॉग सिर्फ होमवर्क ही खाते हैं। शायद कोई ध्यान ना दे। ये चुनना मुश्किल नहीं होगा। सच में? तो तुम मुझे ये दे रही हो? याइक्स। खैर, तो ये शहर वाली डॉल जीतती है। वाह, मैं कर दिखाया। हाँ, ठीक ही है। कितना हिप्नोटिक है। और अब है ये पोकबॉल। आह, कितना ताजगी भरा है। मजा आ गया। फैंसी सलोन की क्या जरूरत। मुझ पर ध्यान दो। तुम अभी भी यहाँ हो? पकड़ो। तुमने देखा? ये मेरा है। बहुत स्लो है। तुम ये रख सकती हो। है, शुक्रिया। थोड़ा सोडा बचा है। पता नहीं इसके अंदर क्या है। काश मैंने पूछा ही ना होता। पर इससे मुझे एक आइडिया आया। तो शुरू करते हैं। मैं अपना फेवरेट कैरेक्टर बनाने वाली हूँ। पहले इसके कान बनाएंगे और टिप्स को ब्लैक कलर करेंगे। ये बढ़िया लग रहा है। अब इसका चेहरा बनाएंगे। अब इसके रोजी चीक्स और अब बड़ी बड़ी आंखें। ये अच्छा बन रहा है। अब इसकी आंखें ब्लैक कलर की करेंगे। बस लाइंस के बीचों बीच रखना है। ऐसा ही दूसरे के साथ भी करेंगे। नाक के लिए बस एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसकी प्यारी सी मुस्कुराहट। ओह, जरा इसे देखो। अभी और भी काम बाकी है। अब जल्दी से इसकी बॉडी बना देंगे और इसकी पूंछ एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह होगी। बस आखिरी चीज है इसकी दो बाजुएं। कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देती हूँ।
चलो अब इसे कलर करें। चीक्स के लिए ये रेड सही रहेगा, ये अलग से दिखने चाहिए। अब इसके मुंह को फिल करेंगे। अब मुझे एक येलो पेन चाहिए। इसकी पोंछ से शुरू करेंगे एकदम आराम से। मुझे इसे अब खराब नहीं करना। और आखिरकार छोटी सी पिंक टांग, ये काफी है। और ये है पिकाचू, जरा देखो कमाल है। और मैं क्या करूं? एक सेकंड रुको, मैं एक आप इस्तेमाल कर सकती हूँ। दोनों साइड पर एक एक होल कर देंगे। अब हमें बहुत सारी येलो स्ट्रॉस चाहिए, इन्हें काट कर साथ में चिपका देंगे। अब इसे कप में डाल देंगे इस तरह। अब ऊपर की तरफ पिकाचू का सर लगा देंगे। बाजुओं पर ये लव हार्ट्स लगाएंगे, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और बीच में बड़ा सा दिल, अब ये मजेदार है। पिकाचू डांस कर रहा है। हे केविन, तुम्हें ये देखना होगा, अच्छी मूव्स है ना।